प्रयोन, CCL4, इन सब के बारे में एक बार आप NCERT से जरूर रीड कीजिएगा। इस पर बहुत सारे सवाल आने की संभावनाएं हैं, फंसने के चांसेस भी वही हैं और कहीं चांसेस नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लेना। ये बहुत तगड़ा सवाल है, कई सारे बच्चे इसमें गलत करके आए थे एग्जाम में, ये मार के आए थे, गलत है। क्योंकि ये क्या है, आपको कितनी बार सिखा दिया सर ये MU इवन करेगा, अरे पागल इवन क्यों करेगा, ये बेस के साथ, ये तो आप नहीं लिखते तो भी अंडरस्टूड था ये साथ में है। केवल ये नहीं होता, ये नहीं होता, केवल ये होता तो आंसर आता आपका ये वाला। ये कब देखते हैं फील्ड इफेक्ट, जब आपकी डिग्री ऑफ हैलाइड बिल्कुल सेम हो, जब विंड वैन डिग्री ऑफ हैलाइड इज एग्जैक्टली सेम, इसकी डिग्री सेम है और वेरिएबल रेजोनेंस वेजोनेंस कुछ नहीं हो रहा, तो हम सिंपल देखते हैं कि भैया डिसोसिएशन कहाँ फास्ट हो रहा है। SN1 के अंदर 100% रेस्पिरेशन नहीं बनता था ड्यू टू दैट इंटीमेट आयन पेयर, या आयन पेयर नहीं बोलते इसको, बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर या टाइट आयन पेयर। नमस्कार आर्य सरकार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। हेलो उल्केन, हेलो, गलती हो गई थी उसमें, शायद अल्कोहल इधर लिखा हुआ था, पर कोई बात नहीं, आप भी जान रहे सीक्वेंस क्या रहेगी, सीक्वेंस वही रहेगी। एक बच्चा पूछ रहा है क्या एग्जाम में लिखकर आएगा हेलो उल्केन, उसको जवाब मेरे बाकी सारे बच्चे दे देंगे। आप परेशान मत होइएगा, आएगा वही हेलो उल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर अमाइंस, फिर बायोमोलिक्यूल, ठीक है। ये आया है आपका वेडनेसडे को, ये आएगा सैटरडे को, ये आएगा अगले सैटरडे को। क्यों सर, थोड़ा बड़ा होता है चैप्टर, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन के चक्कर में लेट दे रहा हूं। ये आएगा वेडनेसडे को, ये आएगा सैटरडे को, थोड़ा सा अगर देखें ढंग से तो डेट्स भी लिख देता हूं। तो ये बच्चे परेशान हो रहे थे यार इस चीज को लेकर, कुछ लोगों ने लिखा तो मैंने कहा यार बता देता हूँ, चलो यार परेशान मत हो यार करो। ये 6 तारीख को, सब दिसंबर ही है, अगला आएगा 9 दिसंबर को, ठीक है। ये आएगा 9 के बाद नेक्स्ट सैटरडे 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, और उसके बाद आएगा ये 20 दिसंबर, और फिर लास्ट आएगा 23 दिसंबर। इस प्रकार ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, पूरा OC एंड होगा। इस वाले में सब कुछ डाल दूंगा मैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपका बायोमोलिक्यूल्स भी रहेगा, आपका प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट भी रहेगा। तब तक आपको लेक्चर भी मिल चुका होगा, लेक्चर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, आपको मिल जाएंगे अभी वो दैट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और POC तीनों मिल चुका है, तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। इस प्रकार सीक्वेंस चलेगी। चलिए पहले सवाल की तरफ चले, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 3°X आप प्रैक्टिकली इनर्ट टू द SN2, यस क्यों, हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के चक्कर में न्यूक्लियोफाइल एंटीबॉन्डिंग पे अप्रोच नहीं कर पाता। सी एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-bromobutane, 2-bromobutane का एलिमिनेशन करवाया है तो क्या बनेगा मेजरली, तो सर कुछ तो लिखा ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे केस में आप एक सिंपल एलिमिनेशन की प्रोसेस लेके चले, स्टेबल अल्किन बनाए, तो स्टेबल बीच में होगी और ये सेटजेफ है, क्योंकि स्टेबल इसलिए सेटजेफ नहीं है, दिखने के बाद सेटजेफ है, तो प्रीडोमिनेंटली 2-butane सही बात है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2 का इक्विमोलर मिलेगा, दोनों मिलेंगे, प्रीडोमिनेंटली 2-butane गलत, 1-butane गलत। कौन सा आयोडोफॉर्म दे सर, आपने आयोडोफॉर्म को हेलो अल्केन में, ठीक है कभी एक दो सवाल, 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत मिक्सअप कॉन्सेप्ट होंगे। हेलोपोम रिएक्शन की बात करें तो आपको रिविजन करा देता हूं, मैंने आपको एक ही बात बोली है CH3CO ओनली ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब यहां एसिड में भी CO होता है, ये ग्रुप हो सकता है, एसिटिक एसिड में ये ग्रुप है, पर नहीं देगा, केवल एल्डिहाइड कीटोन, सेम विद द एल्कोहल, ये पहले इसमें ऑक्सीडाइज होगा, सेम विद द एक्स द सेम थिंग ये देंगे। आप सोचा कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसमें बात करें ये अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बनेगा, PHCH2CH2,
बिल्कुल नहीं देगा। क्या ये सेगमेंट बन रहा है? नहीं। ये वाला ऑक्सीडाइज करते हैं, ये सी एच ओ, ये भी नहीं देगा, ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? एसिटोफिनोन। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है और सी एच थ्री सी ओ सेगमेंट है। आंसर विल बी पी एच सी ओ ओ एच। ओ माइनस बनेगा, सॉल्ट बनेगा एसिडिफिकेशन पे, पीएससी बेंजोइक एसिड प्लस ये कार्बन जाएगा आपका आयोडोफॉर्म की फॉर्म में। ये वाले की बात करें तो इसमें ये टू पेंटेनोन, थ्री पेंटेनोन बन रहा है, ये भी नहीं देगा। दैट सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा SN2 की, अब जैसे सवाल आता ना मैं आपको ये समझाता चलूंगा कि SN2 किसे भी आपको आयोडोफॉर्म में बताया वैसे ही कि SN2 की रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट फैक्टर यू टू चेक इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेकंड आपका लिया तो लिया हिंड्रेंस मान लो या एलजी मान लो, इसमें कोई वेरिएशन नहीं करता कि अभी ये भी दे दिया ये भी दे दिया, ऐसा कोई नहीं करता, कोई एक वेरिएबल ही देता है एलजी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ब्रांचिंग के भी इनवर्स, इंटरेस्ट वाला पढ़ा गया। तो एक सिंपल सी बात है, जितने आर ग्रुप होंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। तो 1 2 3 दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये याद मत करना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देखो ये मत करना, इंटरेस्ट ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप आता है, ठीक है ना। द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज अ कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन SN2, कौन है जो इन्वर्जन कर लेगा? यहां इन्वर्जन हो गया, SN2 ही नहीं करेगा, ये SN2 करेगा लेकिन ये सेंटर कैरल नहीं है, सेंटर कैरल नहीं है, तो इन्वर्जन कहां से करेगा? CH3OH, ये इन्वर्जन तो दोनों कर रहे हैं यहां पर। एक बार अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या इन्वर्जन नहीं हो रहा यहां पर? इन्वर्जन तो 100% हो रहा है, तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें बोला है स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, मतलब स्टीरियो यहां पे बॉन्ड का इन्वर्जन हो रहा है। अगर SN2 रिएक्शन हो रही है तो 101% बॉन्ड तो इन्वर्ट हो ही रही है, यहां आपका स्टीरियो की बात चल रही है, स्टीरियो नहीं हो रहा। ये वाले में बात करें थाइल CHCl, ये भी नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है, शॉर्ट कंप्लीट इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा, या तो इसमें एक छोटी मिस्टेक है कहीं ना कहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, एक भी आंसर नहीं है। आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आई विल रिमूव द क्वेश्चंस, है ना, या फिर रहने दूंगा तो भी आप समझ जाना कि भैया गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ है ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। हाँ अगर एक एक आंसर करना होता है, सर मैं तो चाहता हूं कि मेंस वाले मारे, तो मैं ये मारूंगा कि यहां 100% इन्वर्जन, अगर उस लैंग्वेज को जाएं कि कंप्लीट इन्वर्जन कहां होगा, तो 100% यहां इन्वर्जन होगा, 101%, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये SN1 करता ही नहीं है, ये SN1 कर जाएगा, ये SN1 कर जाएगा, पर ये हमेशा SN2 करेगा। एक क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो कि कब ये कब करवा रहा हूं मैं आपको, जब आपको जेई मेंस में सवाल आया है और एक आंसर करना है, तो यहां 100% इन्वर्जन होगा, 100%, और कोई चांस ही नहीं है। कौन सा एक्वस KOH के साथ हीट करने पर, हीट की जरूरत नहीं है, हीट लिखना गलत था, एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो एसिटाल्डिहाइड कहाँ होवे है? CH3CHO। अगर यहाँ डबल बॉन्ड O बना है, मतलब यहाँ दो Cl रहे होंगे या दो X रहे होंगे, तभी तो एक 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 हटा, पहले क्या होगा, एक एक हटा, कोई कह रहा था दो X हट जाएंगे, पागल हो गया, OH X, O लात मार के दूसरे X को बाहर निकाल देगा, CH3CHO। क्या करते हैं याद कर, सबसे पहले देखते हैं आपका कैटायन की स्टेबिलिटी और डिग्री ऑफ हैलाइड। डिग्री ऑफ हैलाइड क्यों देखते हैं, याद है डिसोसिएशन, कि अगर डिग्री सेम हो जाए, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तब यहां पर वो मत देखना, ये 1 डिग्री है, यहां 1 डिग्री भी क्या है, मतलब यहां प्लस बनाएंगे तो 2α H है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, प्लस 3α H है या 5α H है, तो क्लियर कट जीत रहे हैं आप, सबसे बढ़िया, ये पाई इलेक्ट्रॉन लात मार के बाहर में निकाल देंगे, असिस्ट भी कर देंगे, तो 2 3 1। कौन सा ब्रांच आइसोमर, ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर हाइड्रोकार्बन दिया है 72, ओनली वन आइसोमर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो CN H2N plus 2 लेके चलते हैं, तो ये हो गया आपका 12N plus 2N plus 2 equal to 72,
तो 14n इक्वल्स टू 70, n इक्वल्स टू 5, दैट इज योर C5H12। अब C5H12 के आइसोमर की बात करें, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, क्या बोल रहा है, ओनली वन आइसोमर दे रहा है। तो यहां दो पॉसिबल है, तीन पॉसिबल है, सॉरी यहां पे चार पॉसिबल है, यहां केवल एक पॉसिबल है। सो दैट इज द ओनली कंपाउंड दैट विल गिव ओनली वन सिंगल आइसोमर। तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन या नियो की बात कर सकते हो, नियोपेंटेन, 1, 2, 3, 4, 5, नियोपेंटेन इज द करेक्ट आंसर। आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, किसके द्वारा नहीं बना सकते, तो ब्यूटेन 2-1, 1, 2, 3-मिथाइल 100% करेगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज भी कर दोगे, ये CHO बनाएगा जो कि आगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो हो गया आंसर, नहीं, इथाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल कीटोन, ब्यूटेनॉन बिल्कुल देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज करोगे तो एसीटोन बनेगा, 100% देगा। तो इन सब में आपको हैलोफॉर्म मिलेगा, इसमें हैलोफॉर्म नहीं मिलेगा। डीडीटी क्या है, ना बता रहे, पोसुटेंट ना होता, पोलुटेंट होता है। कोई बात नहीं, जानते हैं ये। अच्छा जाना ना, इससे एक चीज समझ में आ रही है मेरे को, हाँ याद आया एकदम से, ये मैं लाऊंगा आपके लिए बैचेस के अंदर, फ्रेयोन CCl4, इन सब के बारे में एक बार आप NCERT से जरूर रीड कीजिएगा, इस पे बहुत सारे सवाल आने की संभावनाएं हैं, फंसने के चांसेस भी वही हैं और कहीं चांसेस नहीं है। तो सीरियसली कह रहा हूं, उसको अच्छे से कर लेना। इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, विड्रॉइंग ग्रुप, नो 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 नो, हिंड्रेंस लीस्ट, मिथाइल 2-मिथाइल 3-मिथाइल, कहां बात ही खत्म, यही ऑर्डर है। समझ में आया, पहले क्या किया, पहले विड्रॉइंग देखा, मत करना वहां बैठ गए, एमी 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 एमी, एक ऑप्शन ये रहा, एमी थ्री टी, ये रहा डी, विल द करेक्ट आंसर। The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by, बताओ RF कहाँ बनता है, दो ही रिएक्शन तो पड़ी है पूरी OC में, एक आपका है बाल्समर रिएक्शन, एक स्वार्ज रिएक्शन। तो अल्काइल फ्लोराइड, तो अराइल फ्लोराइड कहां से बनते हैं, बाल्समर से, और अल्काइल फ्लोराइड कहां बनते हैं, आपके स्वार्ज रिएक्शन से, AGF, क्या लेते हैं बेटा इसके अंदर, KGF नहीं, AGF, Ag2F2, SbF3, बहुत से ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, कोबाल्ट F2, SN1 भैया, SN1 प्लस OCST, पैरा पे OCST भैया, बैकबोन्डिंग होगा, लेजोलेंच करेगा, पहला पे है तो लेजोलेंच करके क्या करेगा, बैकबोन्डिंग करेगा, बीबी मिल रही है, बीबी, तो बीबी 2 ठो अल्फा H और 5 ठो अल्फा H, तो जीत चुकी है बीबी, तो बीबी तो सबको चाहिए, तो 3-1-2 करेक्ट आंसर। सर SN2 होता तो अलग बात होती, ये बहुत प्यारा सवाल था, 17 में आया था, मुझे याद आ रहा है सवाल, कौन सा ऐसा है जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन के साथ, मतलब फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, फेल्स टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन, मतलब ये तय हो गया कि भैया एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा, एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा, ये एलिमिनेशन करना चाहिए था, एलिमिनेशन कर नहीं पा रहा, ये लिया 100% ये एल्कीन बनेगी, ये आंसर में नहीं होगा, यहां अल्किन बन जाएगी 100% नहीं होगा, यहां अल्किन बन जाएगी 100% नहीं होगा, मतलब अल्किन अगर बन जा रही है मतलब ब्रोमीन वाटर तो गया, फिर डीकलराइज हो जाएगा। दो सवाल एक साथ पूछे, इसमें एलिमिनेशन और ब्रोमीन एडिशन, यहां पर भी हो जाएगा, मुझे याद आ रहा है इसमें एक सवाल में गलती है, छोटी सी गलती है, मुझे याद आ रहा है इसमें एक छोटी सी गलती, पता क्या थी, एक ऑप्शन में मुझे याद है, मुझे तो अच्छे से, चल ये वाला ही मान लो, इसको सही कर लेना, यहाँ पे ये कार्बन नहीं था, मुझे याद है, या ऑप्शन में ये नहीं था, तो इसका आंसर सीधा आता है SN2 हो गया, कुछ था और SN2 होगा एंड ऑल आंसर आ जाएगा आपका, SN2 होगा ही, मैं यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, चारों में एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एक में ऑप्शन, एक याद आ रहा है, एक उसमें अच्छे से याद है मेरे को, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा था, ऑप्शन एक ही कार्बन था यहाँ पे, तो फिर इसीलिए वो आंसर था।
ठीक है। आय हाय, क्लीवेज ऑफ इथर है लगता है भाई एकदम। हमारे जो ऑपरेटर भैया हैं वो थोड़े से पी के काम कर रहे थे भैया। मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट। आपको ये सब सही मिलेगा, डोंट वरी, है ना। आप लोगों को ये पूरा का पूरा सही सही मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एच प्लस दिया, हीट दे रखा है, एक्सेस में है, ये दिया। क्या कोई बॉन्ड अपने आप टूट सकती है यहां पर? नहीं सर, ये बॉन्ड तो पार्शियल बॉन्ड कभी नहीं टूटेगी, कभी टूटेगी नहीं। ये 1 डिग्री है तो यहां एस एन टू होगा, तो आई माइनस का यहां एस एन टू, ठीक है। तो ये बन गया ओ एच एंड ऑल। इस वाले केस में बॉन्ड अपने आप टूट सकती है बिकॉज बनने वाला कंडक्टर, मुझे याद आ रहा है ये भी गलत है, पता है कहाँ गलत कहाँ, पता है ये मिथाइल यहां था, मुझे याद आ रहा है ये मिथाइल इस जगह दिया हुआ था। तो और क्लियर किया उन्होंने कि 2 डिग्री बना के रेजोनेंस स्टेबलाइज किया। कोई तो बात है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी, है ना। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज आपको जो भी सवाल मिलेगा तो क्लियर मिलेगा, है ना। ये लिया ठीक है ना। तो ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी बिकॉज प्लस काफी स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये बॉन्ड, तो इसका एक अल्टीमेटली समरी बनाए तो एक तो ये बन गया आपका बेंजीन प्लस चार्ज, यहां बना ओ एच, मतलब यहां पे एस एन वन हो रहा है, यहां एस एन टू हो रहा है, ऊपर क्या बन गया मिथेनॉल बन गया, और ये बन गया ईटीआई। ये मिथेनॉल भी वापस रिएक्ट कर लेगा, एमईआई बन जाएगा, पर यहां पे बात करें आई लग जाएगा, ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ओ एच हटेगा ही। सो द करेक्ट आंसर विल बी आई ओएच, आगरा इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत तगड़ा सवाल है, कई सारे बच्चे इसमें गलत करके आए थे एग्जाम में, ये मार के आए थे, गलत है। क्योंकि ये क्या है, आपको कितनी बार सिखा दिया सर ये एमयू इवन करेगा, अरे पागल इवन क्यों करेगा, ये बेस के साथ, ये तो आप नहीं लिखते तो भी अंडरस्टूड था ये साथ में है। केवल ये नहीं होता, ये नहीं होता, केवल ये होता तो आंसर आता आपका ये वाला। ये भी नहीं आता, ओ ए में लगता, मतलब हीट करने पर। यहां पे वो आपको बेस लिया, आर ओ माइनस है ये, आर ओ माइनस, आर ओ माइनस क्या है बेस है, क्या है आर ओ माइनस बेस, आर ओ माइनस क्या है बेस है। तो इस वजह से ये आपका एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, उधर तो एच ही नहीं है, एच ही नीचे की तरफ है। तो आंसर इज सी, बहुत क्लासिक सवाल था ये, बहुत क्लासिक सवाल, और बहुत अच्छे लेवल के अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस सवाल को करने के लिए। बहुत ही आसान बे, अल्किन कहां बनाए बे, देखो इन्होंने 2 जगह घुमाया, बेंजीन पे ओएच लगा दिया, बेंजीन पे ओएच लगा दिया, बेंजीन पे सीएल, बेंजीन पे सीएल। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई साहब आप इस सेल को हटाओगे नहीं हटाओगे, बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बची ये अल्किन, ये वाली अल्किन, ये वाली। अब ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया अल्किन में अब जो मिथाइल रहे है कि नहीं है, क्या है इसका पॉलीमर, सही तो आप हट गया ना, हट गया, एग्री हट गया, ये अब पॉलीमर हट गया। लेकिन आपको मैं ये सवाल इसलिए कराया कि भैया ध्यान रहे आपको, ये पॉलीमर पता क्या था, डॉट डॉट जोड़ दो, तो एक तरफ ये है एक तरफ मिथाइल है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना था, एक तरफ ये हो एक तरफ मिथाइल हो, ये रहा एक तरफ मिथाइल एक तरफ ये, डी इज द करेक्ट आंसर। अब पॉलीमर में क्या होता है, ये पाइपन थ्रो के डॉट डॉट जोर से ले जाओ, आ तो फर्स्ट स्टेप कर लो। ये बहुत प्यारा सवाल, ये वो सवाल है जिसकी मैं बात करता हूं और बच्चे गलत करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। एस एन वन की बात करें तो कैटायन देखो, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। भाई साहब पहले कैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये दोनों के दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज ये नहीं है, तो क्लियर कट है कि 3 एंड 4 आर मोर रिएक्टिव देन 1 एंड 2। 3 4 में यहाँ बैकबोन्डिंग होगी तो 3 सबसे अच्छा हो गया, फिर 4 हो गया। अब 1 और 2 में कई सारे बच्चे इसमें तो आंसर मार देंगे 3 4, दो ऑप्शन थे मुझे याद आ रहा है 3 4 3 4, 1 2 2 1 में। अब 1 2 में इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 1 ही अल्फा एच है, तब भी आ गया था, याद करो डिसोसिएशन फील्ड इफेक्ट, कि ये दोनों मिथाइल पुश करके उसको जल्दी से बाहर निकाल देंगे। सर ये कब देखते हैं पुश इफेक्ट, ये कब देखते हैं फील्ड इफेक्ट, जब आपकी डिग्री ऑफ हैलाइड बिल्कुल सेम हो, जब विन वैन डिग्री ऑफ हैलाइड इज एग्जैक्टली सेम, इसकी डिग्री सेम है और वेरिएबल रेजोनेंस रेजोनेंस कुछ नहीं हो रहा, तो हम सिंपल देखते हैं कि भैया डिसोसिएशन कहां फास्ट हो रहा है। सो आंसर है 1 देन 2। भाई ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसीलिए क्लास में बहुत अच्छे लेवल पे करवाया है। 3 4 1 2 2 इज ए, आगरा इज द करेक्ट आंसर।
बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। एल्कोहलिक केवेच है, मॉडरेट है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कहाँ स्टेबल है एल्कीन? एक तो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर यहां बनेगी ताकि वो लंबा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो एक डबल यहां, एक डबल यहां, ट्रांस 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 ट्रांस, देख लो कहां ट्रांस ट्रांस दी। पहली बात तो ये गलत बच्चे, ये दोनों, ये ट्रांस है, सिस है, तो वो वैसे गलत हो गया। डी इज द करेक्ट ट्रांस, दोनों ट्रांस सही है, दोनों ट्रांस सही है और कुछ नहीं। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवालों की उम्मीद रहती है। एच बी आर एक्सेस में है, तो एच प्लस गया, ये बन टूटा, प्लस बना, यहां बी आर लगा, अल्किन, और बोल रहा है कि सर एच बी आर एक बार और किया जाए, एक बार और एच बी आर किया जाए। अगर मैं नहीं भी कर रहा हूं ना तो भी तुम जीत जाओगे, कैसे एल्कोहलिक कैसे, फिर से यही एल्किन बननी है, ये एल्किन और निकल जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा सर? मैंने ये एच बी आर, वैसे यहाँ प्लस बनेगा क्योंकि बैकबोनिंग स्टेबलाइज होगा, तो आंसर आगरा में तो ये आएगा, वैसे हकीकत आंसर तो ये आएगा, एनसीसी यहाँ पे कम बनेगा बिकॉज ऑलरेडी बैकबोनिंग हो रही है, ये बना, और एलिमिनेशन करने पर क्या बना लेगा ये भी, डबल डबल ओजोन लेयर पे टूट जाएगा, सीएचओ सीएचओ एचसीएचओ और ये सिलिसिल्डिहाइड। अरे वाह, अब मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, बताओ फिनॉल पे क्या किया जाए कि ये बन जाए, तो याद करो रिमेटामर प्लस एचसीएचओ प्लस ग्लायोक्सिल, सर ग्लायोक्सिल का होवे है सीएचओ सीएचओ। अब देखो ये लोग क्या फंसा रहे हैं कि क्या आप बेंजीन का ओएच हटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये दोनों तो ऐसे कट गए ना बच्चे, ये दोनों में आपको चेक करना था, सिंपल सा था, ऑप्शन से भी आ जाएगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ई टू एलिमिनेशन ऑफ, याद करो सबसे पहले तो ब्रोमीन को निकालना बहुत आसान है, द फर्स्ट थिंग यू टू चेक इज ब्रोमीन को निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ये सवाल मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत मतलब एक्सट्रीम बेसिक जिसके क्लियर होंगे ना वो ये काम कर पाएगा। वैसे इसमें शायद ऑप्शंस में गलती है, मुझे ज्यादा फील आ रही है, ऑप्शन एफ एफ कुछ था, एम ई एम ई नहीं था, ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है, बट ठीक है चलिए इसको इसको स्किप करते हैं, एक बार सोचते हैं। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे पहले कौन निकलना चाहता है? सब ब्रोमीन। अब बात यह सर इधर बात बना इधर एच, तो आप सबको पता है कि ये एच कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है इस वाले एच से, एम यहां भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां भी दे रहा है, लेकिन इस एच के इस फ्लोरीन के विड्रॉइंग नेचर के कारण ये ब्रोमीन का निकलना बहुत फास्ट हो गया। दूसरी बात अल्कीन जब बनेगी तो आप बन रही होगी उस मोमेंट पे, एफ लोन पर दे रहा होगा बट एट मोमेंट बनने के बाद नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट ये ऐसा आराम से निकलेगा अल्किन। तो आपको ये पहले ढूंढना था कौन निकलेगा, इसमें याद आ रहा है इसमें कि पहले कौन निकलेगा ये भी पता होना चाहिए, ये तो ये कौन सा है डी, ये लिए आए हाय याद करो, यही वो रीजन था कि कार्बो SN1 के अंदर 100% रेस्पे मिक्सचर नहीं बनता था, ड्यू टू दैट इंटीमेट आयन पेयर, या आयन पेयर नहीं बोलते इसको, बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर या टाइट आयन पेयर, टाइट आयन पेयर, सॉल्वेंट सेपरेटेड एंड देन कंप्लीट आयन पेयर। सो अब बात करें तो ये बोल रहा कि एक स्टूडेंट ने SN1 की मैकेनिज्म लिखी, ठीक बात है साहब, उसने कुछ बातें लिखी इस रिएक्शन के आधार पे, तो आपको बताना कौन कौन से करेक्ट है, तो SN1 के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। रिएक्शन इज फेवरेबल बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है, वीक न्यूक्लियोफाइल बोले तो पीपीएस बैड न्यूक्लियो, आप अगर पढ़ेंगे नोट्स तो आप पाएंगे मैंने लिखवाया कि पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर वेरी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, तो वो वैसे ही हो गया। आर प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्सटेंस आर बल्की, बिल्कुल सही बात है, अगर आर बल्की बल्की ग्रुप्स हुए तो वो आराम से लात मार के जल्दी निकाल देंगे, तो कैटायन बहुत जल्दी बन जाएगा, डिसोसिएशन विल बी फास्टर। अब आप सोचो कितने लेवल का इसमें चाहिए आपको, ये नहीं कैटायन स्टेबल है यार दादा होंगे तो पागल, बल्की की वजह से बल्की दिया उन्होंने,
बोलते ना अगर बल्कि क्यों लिख रहे हो, तो रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन, यस सही बात है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये गलत बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट, ए बी सी एंड आर करेक्ट। इसके ऑप्शन गलत है, मैं चेक करूंगा ऑप्शन, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आई विल चेक द ऑप्शन, आपको सही मिलेगा। पर हाँ आप टेंशन मत लियो, आपको सही मिलेंगे, पर क्या आपको समझ में आया कि मैं करना क्या था? दैट्स इट। आई हाय SN2 की रेट, SN2 की रेट के लिए सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ना हिंड्रेंस भाड़ में या हिंड्रेंस पहले विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि सब में बाकी सब में सेम है, CH2Cl विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर इस बेंजीन का लग रहा है भाई साहब, ऑर्थो पे है तो माइनस आर, माइनस मेटा पे है माइनस आई, इसका माइनस आर बेंजीन का, तो इससे तो अच्छा हुआ ना ये वाला, क्योंकि दो माइनस आर एक माइनस आई भाई साहब, इधर माइनस आर माइनस आई, इधर को माइनस आई माइनस आई। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 2 and 3 आर बेटर देन 4, देन 1। अब बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 में ये वाला तो सेम है, इनमें फर्क पड़ रहा है, रेजोनेंस दोनों का सेम है, तो क्या देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, यहां माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है, कम लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा विड्रॉइंग। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्वेश्चन था ये आपकी, 2 और 3 में कौन जीतेगा, 2 जीतेगा, तो 2, 3, 4, 1 भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है, सीरियसली बोलो बहुत अच्छा सवाल है, और देखो कहीं ना कहीं आप सवाल अच्छे से कर भी जाएंगे, तो 2, 3, 4, 1 ये रहा। देखो जो लोग 2, 3 में नहीं कर पाते उनके लिए ऑप्शन भी है, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1 कह रहा हूं, दोनों ऑप्शन दिए थे। व्हेन नियोपेंट, देखो आपको कॉमन नेमिंग आना बहुत जरूरी है, नियोपेंटाइल, नियो मतलब 3 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5 अल्कोहल इज हीटेड विद द एसिड, इट स्लोली कन्वर्टेड इनटू अ 80% रेशन अल्किन्स ए एंड बी, तो डिहाइड्रेट करते हैं, तो ये बना आपका कैटायन, बहुत स्लोली होता है ये बना, क्योंकि प्लस बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है, 2 मिथाइल 1 यहाँ पे प्लस, अब अल्किन 2 पॉसिबल है, एक यहाँ पे एक नीचे की तरफ, तो 85 वाला कौन सा होगा, ये होगा 85, ये हो गया ए प्लस, ये होगा 15, ये होगा बी। अब पूछा है कि कौन कौन सी क्या अल्किन है, रेस्पेक्टिवली पूछी है, ए कौन सी है बी कौन सी है, तो ए वाली होगी ये बी, बीच वाली ए होगी ऊपर वाली, ये ना बिल्कुल ना, ये ना देखो जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ये रहा। जिनको कम समझ में आता है वो यूपीएससी नाम लिख लें। इस सीक्वेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, फॉर दिस स्टेटमेंट ओनली, तो ये हुआ। अब देखो ध्यान सुनना, तो 3 डिग्री पे हुआ है, वैसे तो SN1 होना चाहिए, हटके लगा SN1 होगा, पर ये बात अब ऐसा नहीं कि हाँ हाँ SN1 होता है, इन्होंने क्या दिया है, रेट के इंटू TBUR, मतलब न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रही रेट, मतलब पक्की बात है SN वन है, अकेला ये है, यूनिमोलिकुलर हुआ, इसकी वजह से मैंने नहीं बोला कि भैया इसमें तो SN1 ही होना चाहिए था, एक ही आ रहा है, यहां पर अल्कीन बन रही है, मतलब पक्की बात है एलिमिनेशन है, अब कौन सा है 1 है कि 2 है, अभी डिपेंड करता है कौन सा दिया है, 1 होगा तो सिंपल केवल ये आएगा, 2 होगा तो ये दोनों आएंगे, इन्होंने दोनों लिखे हैं, मतलब पक्की बात है E2 एलिमिनेशन है, तो ये E2 है वो SN1 है। अब क्या बोल रहा है कि इसके बेसिस पे जो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, मतलब OH- की कंसंट्रेशन के चेंज करने से क्या फायदा होगा, इस पे कोई चेंज होगा क्या, ना, कि वहां तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या कम करो, रेट में फर्क नहीं पड़ेगा, यील्ड में फर्क पड़ेगा, कैसे, रेट तो चेंज होगी नहीं क्योंकि OH- है ही नहीं, तो रेट की तो बात ही नहीं होगी, यील्ड में क्यों फर्क पड़ेगा, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी, वो बेस की तरह काम करने लग जाएगा, तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए यील्ड उसकी कम आने लग जाएगी, ये मास्टर इतना डेप्थ में, कोई बात नहीं, और इसके अंदर अगर आप इसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट, क्या बोले, नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन ए, ये कौन सी, हाँ बोले वो रिएक्शन 1, सही बात है, डबल, अगर बेस की कंसंट्रेशन को डबल किया तो दोनों रिएक्शन की रेट डबल हो जाएगी, गलत बात है, इसकी डबल हो जाएगी उसकी सेम रहेगी, अगर बेस को चेंज किया तो नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन बी, ये भी गलत बात है, बी पे तो चेंज हो रहा है, अगर जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना होता जाएगा,
OH minus will have no effect on reaction B. गलत बात है भैया. आंसर इज आगरा. कितना प्यारा सवाल है. इसमें तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया था. ये ब्यूटेन लिया है, वन पे क्या है इथॉक्सी, टू पे मिथाइल है. ये नोट्स का सवाल है, पहला सवाल है क्लास नोट्स का. देखो एच आई दिया है, एच आई तो एच प्लस दिया. अब तो एच आई को क्या मानू, एक मानू एक्सेस मानू, कुछ भी दिया हो भाई आगे एस टू से वो डेल्टा, मतलब पक्की बात तो चाहते एक बार ही करो, चाहे हीट दे दो साथ में लिख दो, ये लो हीट लिख लो. सो हीट आपने कहा एक्सेस होगा, अरे एक्सेस होगा तो आई लगा कि क्या करोगे, बोल रहे एस टू से वो डेल्टा, तय बात है कि एक ही करना है. लेकिन कौन सा करें, सर ने क्या सिखाया, क्या कोई बोर्ड अपने आप टूट सकती है ना, ये वन डिग्री ये वन, आए हाय दोनों ही वन डिग्री है तो SN2 विल बी प्रेफर्ड. SN2 कहां अच्छी होगी, इसके ऊपर होगी. तो आई माइनस का अटैक यहां पर, ये बोन यहां से टूट जाएगी. तो यहां पे पहले स्टेप में बना ETI प्लस मिथाइल OH H2SO4 डेल्टा, तो पानी निकला प्लस बना, रीअरेंज हुआ अल्किन यहां पे मोर स्टेबल अल्किन. अभी तो क्या था 85% वाली, ये रहा तो टू मिथाइल टू ब्यूटीन, ये रहा टू मिथाइल टू ब्यूटीन. ये देखो जो बच्चे उल्टा तोड़ेंगे और मजा आ जाएगा, कैटायन कैटायन रीअरेंज कर जाएगा. अबे कैटायन रीअरेंज में तुमको क्या, कैटायन रीअरेंज करे या ना करे उससे तुमको क्या मतलब है भाई, सीधी सी बात है. तो मेजर प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अबे आर कहां यार मेजर प्रोडक्ट, ये रहा भाई बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा. लिथियम Li प्लस NH2, NaNH2 है एसिड बेस रिएक्शन. सर एक बार की दो बार देखते हैं आगे कुछ दिया है क्या. Li प्लस है ना, एक ही दिया है तो सिंपल यहां का अटैक SN2 रिएक्शन. तो मिथाइल इस कार्बन पर ये, और उसके बाद कार्बन उस पर दो मिथाइल, ये बना P एज. खुश रहो रिएक्शन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा. NaBH4 से ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. That will be your B, Q, sorry. फिर इसका क्या कर, डिहाइड्रेशन करा रखा है तो प्लस बनाओ, रीअरेंज कराया यहां आया, एक सेकंड देखते हैं ना, प्लस बना के यहां लाए, यहां मिथाइल है क्या, हाँ मिथाइल है. तीन दो तीन एक चार एक पांच, यहां आएगा तो तीन सात आएगा, एक शिफ्ट और कराओ. अब अल्किन बनाओगे तो अल्किन यहां स्टेबल है. चलिए मतलब तो किसमें किसमें समझ, ऐसा ये कभी भी हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें कैसे पहचाने भाई. देखो अल्किन बीच में है, अल्किन साइड में है, बेकार हो गया, बीच में है साइड में है, तो अब इनमें चेक करना रहा ना, और चेक कर लो. तो एक कार्बन पे दो मिथाइल है, एक पे मिथाइल और इथाइल है, मिथाइल इथाइल एक एच एक्स स्तरित क्या है. देखो ये तो आएगा नहीं, एच तो आएगा ही नहीं. दो मिथाइल एक मिथाइल एक इथाइल, दो मिथाइल एक मिथाइल और एक इथाइल, ये रहा. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. मैं कैसे चेक करता है ऐसे जल्दबाजी में, कभी कभी बच्चा गलत कर देता है. बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा, सीरियसली कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं सवाल को. HBr डाला तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा. अब यहां प्लस बनाने के दो साधन है, यहां बनाऊं तो दो और एक तीन. मैंने आपको कहा था ना कई सारे बच्चे क्या करते हैं इस सवाल में, गलती करते हैं क्या. यहां बनाया तो पांच अल्फा है, तो मैं कैटायन कहां बनाऊं सर, इधर या उधर, तो ऑब्वियसली वो वाला बनेगा. ये सब ये तो रीजन करके आठ हो जाएंगे. अरे भाड़ में रीअरेंज होने के बाद क्या मिलेगा उससे मुझे क्या मतलब, मेरा मतलब तो उस बात से कि अभी कितने मिल रहे हैं. तो ये नहीं, ये जीतेगा. तो यहां बी आर लगा दो तो आंसर है ये बी आर. तो ये आंसर आएगा बेटा टू ब्रोमो फोर मिथाइल पेंटेन. अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, यही आंसर है. हे भगवान है तो सपोर्ट डेल्टा से अल्किन कहां बनाओगे, यहां 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 कहां बनाओगे. ऑब्वियसली यहां ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी, अल्किन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज. बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. सिंपल सी बात है, आपको भी दिख रहा है कि डिहाइड्रेशन पे कितने सवाल आए और आने वाले सालों में और ज्यादा सवाल आएंगे, धीरे धीरे आने वाले सालों में और ज्यादा सवाल आएंगे, ये मेरी गारंटी है. ये सवाल कि TBO माइनस K, और भाई स्ट्रॉन्ग बेस, अल्किन इधर के उधर, इधर स्ट्रॉन्ग बेस है डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, या
ओजोन लेसेस करोगे छोटे स्ट्रॉन्ग वाला है तो आपका बनेगा ये COH प्लस छोटू, तो ये तो ना बन रहा, ना बन रहा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्किन यहां बनाई होगी। इधर ये कहां से आया भाई, ऑक्सीडेटिव के अंदर CHO कहां से आया ना। हाँ ये सही है सर, फॉर्मिक में ये गलती है, ये है मेंस वाले बेवकूफ। फॉर्मिक, अबे फॉर्मिक कहां से छोड़ दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट की प्रेजेंस में फॉर्मिक में कहां छोड़ दोगे, ये तो छोटू में कन्वर्ट होगा, पर तो छोटू तो दिया ही नहीं है, क्या करे बेटा, जेई मेंस तो जेई मेंस है ना। बेस्ट पॉसिबल आंसर इज दिस वन, नशा टेस्टिंग एजेंसी। ये वो सवाल, द मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन ऑफ द जेई में अब तक का, कि बच्चे पता क्या करते हैं, इस वाले को ये क्लास में भी समझाया 10-10 बार कि ये TBO माइनस नहीं है, ये नहीं है, H है, H ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS, PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके साथ हीट है, PPS के साथ हीट है, कि कौन सी रिएक्शन है, E1 PPS के साथ हीट है, E1 हटाओ, पिलज बनाओ, लीलेंज कलाओ, ऑल लीलेंज कलाओ, अभी तो क्या है सवाल अपन नहीं है, पिलज बना लिया, ये अल्कीन स्टेबिलिटी किधर है बेटा, बीच में, अभी तो क्या अपन ने एक कार्बन पे दो मिथाइल, इथाइल और मिथाइल, सेम आंसर आ गया। ओहो ये रहा अगला, आओ The correct order of following order, nucleophilic substitution reaction, और सारे बेंजीन पे X हैं, बेंजीन पे X पे सिंपल देखते हैं कि SN2AR, SN2AR सर, SN2AR में दो ही फैक्टर हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट OP या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ लिविंग ग्रुप। यहां पे ये पहली ऐसी रिएक्शन है जहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आंसर उल्टा आता है ना, क्योंकि F ज्यादा विड्रॉइंग है तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज करेगा M कॉम्प्लेक्स को, मेजर मेयर कॉम्प्लेक्स सब में सेम है, लिविंग ग्रुप एक विड्रॉइंग, दो विड्रॉइंग, तीन विड्रॉइंग, याद करो हमने इनके टेम्परेचर भी जाने हैं, गर्म पानी 623 केल्विन, 443 केल्विन, 368 केल्विन, सॉरी हाँ ठीक है सही बोला, तो सबसे ज्यादा वो तो गर्म पानी है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो चार फिर तीन फिर दो फिर एक, आसान सवाल है, क्लास का सवाल है। टोटल नंबर ऑफ अमाइन समूह तो कैन बी सिंपल, कौन गैब्रियल, एसएन2 का सवाल है कि गैब्रियल थैलेमाइड से कौन कौन से बन सकते हैं, तो वो जहां आरएक्स जिस पे एसएन2 हो सके वो कौन कौन से हैं, इसके लिए एक्स क्या चाहिए होगा, CH2X, तो एन अटैक करेगा बना सकता है, ये वाला एक्स बना सकते हैं, बेंजीन CH2X बना सकते हैं, PHCH2NH2 बना लेंगे, बेंजीन है इसके लिए बेंजीन का एक्स सही होगा, उस पर SN2 ना हो सकती, तो डी वाला नहीं बना सकते, बाकी तीन बना सकते हैं, कांट होगा, एक्चुअली कांट होगा, ये कांट भी सिंथेसिस बाय, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, इसको बना लोगे 1 डिग्री, इसको बना लोगे 1 डिग्री, इसको बना लोगे 1 डिग्री, आराम से बन जाएगा, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करें तो HCl जोड़ा है, तो सिंपल सा ये पूछना चाहा है कि कैटायन कहां बनाओगे, तो आप जेई मेंस के सवालों की बात करें तो आप मेंस के सवालों में ये भी सीखने की कोशिश करें कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आप देखिए मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया कि कैटायन कहां बनाओगे, तो कैटायन कहां बनाओगे जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो कैटायन स्टेबल होगा मतलब या तो ऊपर या नीचे, यहां पर OCH3 है, यहां पर NO2 है, तो NO2 से दूर बनाएंगे, OCH3 के पास बना देंगे, दोनों बेकार है, दोनों का माइनस ही लग रहा है सर। लेकिन एक डाउट आता है, जब आपने पाई बॉन्ड तोड़ ही दी, आपने प्लस ऊपर बना ही दिया, तो रीअरेंज क्यों नहीं किया, ये प्लस बनाया तो सर रीअरेंज क्यों नहीं किया बैकबोन्डिंग के लिए, क्योंकि ये मेंस का सवाल है बाकी हकीकत में यहां बनना चाहिए था, प्लस बनता फिर बैकबोन्डिंग होती फिर अलग मैकेनिज्म होता भाई, इसमें इसका आंसर ये कभी आता ही नहीं है। HCl पता है इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर ये आता, ये क्यों सवाल मास्टर, ये प्लस बनता रीअरेंज होता HCl लगता,
फिर एक्सप्रेस जाता है इसके पास, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे फिर इसके ऊपर अटैक एक तरह से, भाई बहुत तगड़ा फल बन जाता फिर वो। पर जेई मेंस तो जेई मेंस है, हम कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, समझ रहे बात को। जेई मेंस वाले यही पूछ रहे हैं चारों ऑप्शन में, बताओ कहाँ बनाओगे, NO2 के पास, OCH3 के पास, OCH3 के पास या OCH3 के पास। तो ये तीन ऑप्शन, ये गलत हो गया, ABD का सही है। NaACH2 में सिंपल सा सी एल हटके आई लग जाएगा, दैट्स एन SN2, तो दो आई लग जाएंगे दोनों लिविंग ग्रुप, बट एक एक OCH रहेगा आई। सीधा सा आंसर है डेली। इसको इसको देख के भी करते ना, इनको देख कर तू भी आंसर ले आते, सवाल ही नहीं पड़ता मैं तो, कि NaACH2 बस ये हटके आई लगेगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, ये कैसे हट गया, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, ये दोनों हट गए। इसमें सेल चेंज कैसे हो गया, आई कहाँ गया, ऑप्शन से कर लेते तो भी हो जाता। ये लिया NO2Cl2, Cu2Cl2 कॉपर बॉन्डेड है तो सैंड मेयर है, कॉपर खुला है तो गटर है, वुड है वुड्स, और Et+Na BHP वो भी तो सेम है, सब बेंजीन है, C6H5 है, C6H5। तो ये आपका हो गया फिटिंग, देख लो भैया, SG WF SG W 2413 2413 ये रहा 2413, समझ गए रे, सवाल देख रहे हो लेवल ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। फिर वही पूछा गया है कि SOCl2 से कौन कौन सा सी एल हटाओगे, एक दो या तीन। तो ये तो नहीं हटेगा, बेंजीन अपना OH नहीं छोड़ता, कम से कम 2023 में भी इस पे सवाल आया, हर बार इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कौन सा OH हटाओगे कौन सा नहीं हटाओगे, ये नहीं हटेगा, ये वाला और ये वाला हटेगा, यहां भी सीएल यहां भी सीएल, ये रहा एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है, इनमें बेंजीन के सीएल हटा रखे हैं, इनमें ये हटा दिया, ये भूल गए, एक थोड़ी बोला कि वन इक्विवेलेंट, तो हम एक हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, एक क्या होगा, सिंपल सी बात है, Br2UV डॉट की स्टेबिलिटी, अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन, सिंपल सा आंसर है। सो लेकिन NO2 लगा है, CN लगा है, बाढ़ में क्या CN, मुझे उससे क्या उल्टा और स्टेबलाइज कर रहा होगा, अच्छा मेटा पे है तो ये विड्रो थोड़ा सा रेट कम हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दैट्स इट, सीधा आंसर है, कोई दिमाग है तो दिमाग लगाना तो सोचे भी सही कि भैया हाँ इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर से पूछ लिया है NaNH2, ये मतलब जे का सवाल आया हुआ, NaNH2 क्या होगा, अल्काइन बनेगा, CH3 सी स्ट्रॉन्ग बेस, ये रेड हॉट एफिट्यू बेंजीन पे, तीन में एक मिथाइल एक तो तीन मिथाइल, मेसिटिलिन इज द करेक्ट आंसर सी, इथेनॉल एंड AgCN बोथ आर जनरल। सर ये कैसे पता होगा कि जनरल है कि नहीं, तो आपको मैंने एक बात बोली थी कि एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो मैंने एक बात बोली थी कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, देखो आप समझिए, इस बार मैंने एक पैटर्न चेंज किया, आई जस्ट टॉट इन द कोटा पैटर्न प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपने रीड किए, उसमें एक लाइन लिखी थी कि दे बोथ आर, उसमें वो जो टेबल याद है वो टेबल लिखी थी, बहुत बड़ी टेबल थी, RNH2 अमोनिया एंड ऑल वो सब कैटेगरी वाली बात पूरी बात थी, दे ऑल आर जनरल न्यूक्लियोफाइल्स, और उसमें लिखा था जनरल, उसमें माथा उठाकर पूछ लिया कि बताओ उस टेबल में ये भी था ROH और ये था AgCN, जनरल न्यूक्लियोफाइल, सारे जनरल न्यूक्लियोफाइल थे वो, तो हाँ जनरल। अब फॉर एग्जाम्पल बैठ कर सोच रहा होता आदमी जनरल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, क्या इनको जनरल बोलते हैं कि अच्छा बोलते हैं, अरे भाई इसमें क्या जनरल न्यूक्लियोफाइल है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए कहा था कि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी है, बहुत कंपल्सरी है, KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल विद ऑल रिएक्शन कंडीशन, गलत बात है भैया, क्योंकि KCN भैया CN CN नाइट्राइल करेंगे, ये AgCN इनका लोन पर ये आइसो नाइट्राइल करेंगे, तो ये गलत है, तो 1:2 and 2 is false, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 20% H3PO4 358 NCERT का डाटा 3 डिग्री में कॉपी में लिखवा रखा है डाटा भी, ये कभी हो सकता है आपसे यही पूछ ले इस रिएक्शन के लिए क्या वैल्यू लेंगे, चार अलग अलग टेम्परेचर चार अलग अलग परसेंटेज दे दे, जेई मेंस वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्लियर बताया था आपको, ये डाटा लिखवा रखा कि 1 डिग्री में कितना था 2 डिग्री में कितना, इस जगह मुझे अभी भी याद आ रहा है, एकदम याद आया ऐसा कॉलम किसकी मैंने इस जगह लिखा था डाटा पूरा पूरा, तो मुझे प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, कल को यही पूछ लिया तो रोओगे। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, इधर इधर या इधर, क्या है ये E2A, कोई कह रहा है E1C भी तो नहीं है, E2A
दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ए एंड बी। यहाँ वाला लेकिन बी, दोनों क्या है, एक सर्जेफ ये हॉफमैन है ना। रिएजेंट ए बताओ। अच्छा ये से तो छोड़िए, ए क्या हो सकता है, तो मुझे पता है कि अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सीएल लगा रहे हो, मतलब तय बात है कि फ्री रेडिकल बना होगा। अगर आप सिंपल सीएल टू लेंगे वो तो अल्किन पे एडिशन करेगा, फ्री रेडिकल बना होगा, तो यहां मैं बोल सकता हूँ कि सीएल टू एच न्यू लिया होगा। सर दो कैसे लगा होगा, दो ले लिए होंगे, उससे दो से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तीन लगा लो चार लगा लो, यहाँ पे दो यहाँ दो वहां, उसमें क्या फर्क, बात क्या ले सकते हैं, तो रेडिकल बनाना पड़ेगा, ये आपका थॉट होना चाहिए कि भैया रेडिकल तो लेना पड़ेगा। तो एससीएल एनआईएस एलसीएल कभी नहीं, जन्म में तो नहीं, लुकास कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, सीएल टू डार्क अंधेरे में ना, उससे क्या होगा दोनों सीएल लगेंगे, सीएल टू यूवी लाइट, बिल्कुल सही बात है, डेली इज द करेक्ट आंसर। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ओके अमाइस का सवाल है अपने, लेकिन इसको एसएन टू में पढ़ा था इसलिए यही ले लिया इसको, अमोनिया का अटैक क्या हुआ अपन ने, ये आर NH3 प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ओके NaOH से क्या होगा, ये जो HX बन रहा होगा, HX क्या करेगा, इस HX NaOH क्या करेगा, इस HX को न्यूट्रलाइज करेगा, सो आंसर विल बी आर एन एस टू प्लस वाटर प्लस NaX। और आप चाहें तो NaOH ना डाल के आप सीधा दो मोल भी ले सकते हैं इसके, तो एक मोल तो अटैक कर गया, दूसरा मोल ये इसको न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा, बेस लेना है कुल मिला के, NaOH जरूरी नहीं है, कोई भी बेस लेना है जो बेस इसको न्यूट्रलाइज कर सके, सो दैट ये जो ये सॉल्ट बन रहा है इसको हटा सके, कैन बी यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, ठीक है। ये बन गया, फिर से ले लो RX, तो सेकेंडरी बन जाएगा, फिर NaOH डाल दो सॉल्ट बनेगा, तो द पर्पज ऑफ NaOH, अच्छा NaOH का क्या पर्पज है, तो टू रिमूव HX, टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटी, ना बेसिक इंप्योरिटी थोड़ी है, टू एक्टिवेट अमोनिया, बट क्या मतलब इसका, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल, कोई मतलब नहीं, टू रिमूव द एसिडिक इंप्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, जो एसिडिक जो HX बन रहा है एसिड, उसको रिमूव करने के लिए डाला गया है, दैट्स इट, दबाव रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन ली है, बोला ये रिएक्शन डाउस प्रोसेस है, याद आ रहा है सबको, डाउस प्रोसेस बोल रहा है, इसके लिए क्या टेम्परेचर प्रेशर रहा है, याद करो 623 केल्विन 300 ATM का प्रेशर। हमने ये भी डाटा याद करवाया था मैंने आपको कि एक सीएल है, एक NO2 लगने के बाद 443 केल्विन, दो लगने के बाद 368 केल्विन, तीन लगने के बाद गर्म पानी से रिएक्शन हो जाएगी, तो 623 केल्विन 300 ATM ये रहा, देख लो जानबूझ के वैल्यूज पूछे। अब देखो 623 कॉपर कहां से बीच में आया भाई, कॉपर क्यों लेंगे, कोई मतलब ही नहीं। कौन सा एक एग्जाम्पल है अमोनोलाइसिस, तो अमोनो मतलब अमोनिया, लाइसिस मतलब तोड़ना ब्रेक, तो अमोनिया के द्वारा बॉन्ड तोड़ना ये बिल्कुल नहीं है, ये तो सिंपल रिडक्शन है, ये भी नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन है, शोटरबाउम रिएक्शन, ये अमोनोलाइसिस है 100% है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। कौन कौन सा पेयर, पेन नहीं लगा, दर्द बहुत है भाई, ऑपरेटर भैया को दर्द बहुत है जीवन में लगता है, तो करेक्ट पेयर्स ऑफ द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स इज आर, कौन कौन सा एक सही पेयर है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का, जिसमें दोनों हो सकते हैं, AgCN है बिल्कुल सही बात है, N का लोन पेयर C का माइनस बिल्कुल है, ये AgNO2KNO2 बिल्कुल है, यहां पर O माइनस N डबल बॉन्ड O, O का माइनस N का लोन पेयर बिल्कुल सही बात है, RCO माइनस यहां पर बिल्कुल भी नहीं, ये तो केवल एक ही है, ये सर वहां पर तो आएगा, दोनों इक्विवेलेंट आंसर होंगे, एक ही है, ये आपका एम्बिडेंटेड नहीं है, ये भी एम्बिडेंटेड नहीं है, AGI क्या बिल्कुल नहीं है, आई माइनस ये भी नहीं है, एम्बिडेंट का मतलब यहाँ दो दांत वाले जिनकी डेंटिसिटी दो, AC ओनली मैच करो भैया, अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH, KOH इन अल्कोहल क्या हो गया, ये अच्छा बेस हो गया, बेस PDBSO4 लिनलार भैया, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड किससे बनता है, बेंजीन पे 6 CL डाल दो, नहीं BSC है बेंजीन पे है जो CL, गेमेक्सिन लिंडेन, ये आप सभी के बारे में बात कर रहा है, ये आप लोग हैं लिंडेन, पॉली एसिटिलीन
जरूरत चले जाओ। क्या है? यूज या प्रिपरेशन या कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ऑप्टेन बाय एडिशन रिएक्शन, ये रहा एडिशन रिएक्शन। सीएल टू बेंजीन पे 3 मोल सीएल टू डालोगे। यूज फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रहा अल्कोहलिक केवेज। लिंडलार कैटलिस्ट, पॉलीएथिलीन, ये आप ये यूज है एक तरह से सीधा बैटरी इलेक्ट्रोड्स के अंदर, ये पीसी वाला पार्ट है, 3 4 2 है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर दिया हुआ ये 3 4 2 1 3 4 2 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ चलो, इन कैरियस मेथड द हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड एजीएक्स विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3। एक्स को अलग करना है तो एजी चाहिए, एजीएक्स बनाना है, समझे? सर HNO3 क्यों डालते हैं? ताकि HNO3, आपको पढ़ा भी रखा है मैंने, HNO3 इसलिए डालते हैं ताकि जो अगर कंपाउंड इन सॉल्यूशन के अंदर Na2S, NaCN, अगर नाइट्रोजन कार्बन सल्फर सब हो तो उनको भी अलग करने के लिए HNO3 डालते हैं, तो ये अलग हो जाए। गैबलियम थैलीमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक अमीन्स को नहीं बना सकते बिकॉज बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, बेंजीन के एक्स पे SN2 पॉसिबल नहीं है। Aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction, बिल्कुल सत्य बात है और इसको explain भी कर रहा है और ये बात NCERT में as it is लिखी है, इसीलिए फिर repeat कर रहा हूँ। अगर अब तक भी NCERT नहीं पढ़ी तो जैसे जैसे chapter move कर रहे हैं वैसे वैसे NCERT की एक line पढ़ो। सर क्या वो paragraph पढ़े क्या हमें reaction आती है? ना, paragraph पढ़ो, क्या पता उसी paragraph की line से AR बन जाए, और AR में बच्चा अक्सर फंसता है, AR मतलब ये रहा, बोथ आर करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से गैब्रियल थैलीमाइड एन का अटैक बिहार बार हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा? पीएच टू एन एस टू बेंजाइल अमीन। हाय हाय क्रिग्नार्ड MgCl इथेनॉल का होवे है, CH3CH2OH ये लिया, ये डेल्टा नेगेटिव यहां से एसिड बेस करेगा, बॉन्ड टूटेगी और आपका बन जाएगा ETO MgCl प्लस एसिड बेस होने के कारण क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। प्लीज ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम हाइड्रोकार्बन भी बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई सारे बच्चे इथेनॉल OH लगा दो या OH लगा दो, ये मत करना मत करना। अगर कभी फंस रहे हो कि क्या बनेगा, हल्का सा डाउट आ रहा है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बना लो कि कौन किससे रिएक्ट करेगा, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बाकी बहुत सारे बच्चे ये मारते हैं आंसर। करेक्ट आंसर इज साइक्लोपेंटेन, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना। सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर, ओके, द कॉमन नेमिंग इज यूज्ड, ईथर ओ एक तरफ इथाइल है, pH may be achieved by Williamson ether synthesis, बिल्कुल सही बात है। अगर Williamson की बात करें तो मैं बातों बातों में Williamson पढ़ा देता हूं कि अब मुझे सोचना है कि दो केस पॉसिबल है, या तो ETO minus और बेंजीन का X, या ETX बेंजीन O minus, सही तो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी कम होगी पर रिएक्ट तो करेगा, ये केस चलेगा ये केस नहीं चलेगा बिकॉज बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, तो इस वाले सेट से मैं इसको बना सकता हूं, 100% बना सकता हूं। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन BHBr विद सोडियम इथोक्साइड, ये वाला केस गिल्स इथाइल फिनाइल ईथर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो कभी नहीं, बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, इसीलिए कहता हूं बेंजीन के तरह बनो, अपना एक्स भी नहीं छोड़ता, OH भी नहीं छोड़ता, अयाश आदमी, तो ए सही है आर गलत है, ये लिया K2CO3 एसिड बेस करेगा, PHO माइनस अटैक करेगा Br बाहर, OPH ये लिया, दैट्स इट। सर इसमें और क्या हो सकता था? इसके मेटा पर, अगर मेटा पर ऐसा अटैक कराते तो एरोमेटिसिटी का लॉस होता, कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात, ओ डेंस ज्यादा है, ये पहले एसीटोन लिया है, देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब मैं इसकी रियलिटी समझाऊं आपको, तो ये सॉफ्ट हार्ट का कॉन्सेप्ट है, कोई आपको बताएगा भी नहीं है। अगर यहां मैं एक्वस मीडियम लूंगा ना पानी, तो आंसर ऑर्थो पर आसान लग जाता है,
ओ उस केस में सोलिवेट हो जाता है, इन इन दैट केस ओ विल बिकम, ऑप्शन में यहाँ दिया ही नहीं है ऑर्थोपेरस अटैक, एक सवाल आया हुआ जहाँ पे ऑर्थोपेरस अटैक कराया हुआ था, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कब ऑर्थोपेरस कराते हैं। तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन थे, या तो ये कर लेता अटैक या फिर ये रेजोनेंस करके यहाँ अटैक करता, कभी मान लो इसी सवाल को घुमा देते ये कर देते तो आंसर यानी कि यहाँ अटैक करता, ये 3 डिग्री एसेंट हो ही नहीं सकती, ये ऐसे अटैक करता फिर ओ वापस यही अटैक करता, आंसर यही सेम आता तब भी बॉम्बे आंसर। ये देखो ये वो रेजोनेंस वाला नहीं होगा, ये तो बहुत ही गंदा है, पता नहीं क्या ही कराया है ये, पता नहीं क्या ये वाला में क्या हुआ, इस वाले में कार्बन एक्स्ट्रा नहीं, इसमें डबल बॉन्ड शिफ्ट करा दी ऊपर, वो भाई साहब ऑप्शन गंदे थे बच गए। एटीओ माइनस ये क्या है आपका बेस है, क्या फेवर करेगा एलिमिनेशन, और ब्रांच्ड 1 डिग्री है, 1 डिग्री वो भी ब्रांच्ड है, ब्रांच तो 1 डिग्री है तो 100% एलिमिनेशन होगा। अगर ये बेंजीन नहीं होती, अगर ये बेंजीन नहीं होती तो आंसर आता एक दो तीन ब्यूटाइल और एक तरफ ओ मिथाइल, मिथाइल ब्यूटाइल इथर आता, नहीं इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल, इथाइल मिथाइल इथाइल अब है ब्यूटाइल मिथाइल इथर आता, ये है ब्रांच होने के कारण अब यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्किन विल बी द करेक्ट आंसर, अल्किन विल बी द करेक्ट, ऑप्शन एक ही है समझे, अगर बेंजीन नहीं होता ये आंसर होता, ये आपका विलियमसन और बेस के बीच का झूलता हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ गिवन ग्राफ एसिटेट आयन इन एसिटिक एसिड, देखो सीधी सी बात है भाई, CH3CO- एसिटिक एसिड, ये आपका सिंपल आपका एसिड सॉरी SN1 और SN2 के बीच का ऑर्डर है। अब इन तीन सवालों के बाद देखो, अब एक चीज तो समझ में आ रही है, सब में जो कंपाउंड सब में सेम है, आगे पीछे कर रखे हैं ठीक है, तो अगर मैं पहचान ये लिया रेजोनेंस स्टेबलाइज है, चाहे SN1 करो चाहे SN2 करो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो एक चीज तो क्लियर होगी ये दोनों आगे होंगे, ये वाला और आगे होगा, क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एंड्रेस कम है तो ये सबसे आगे होगा, ये वाला सबसे आगे होगा, कहां है सबसे आगे ये रहा और वो रहा, उसके बाद आएगा दूसरा रेजोनेंस वाला, ये देखो एक ही ऑप्शन है, मैं कह रहा हूं ना ये आएगा आपका 1 नंबर, ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर, इन दोनों में बात करें तो ये दोनों में ही है, ये 1D यहां पर अटैक करना आसान है तो ये फास्ट आएगा, और ये वाले में इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में अब मेरे पास चॉइस है कि मैं SN1 भी कर सकता हूं SN2 भी कर सकता हूं, और आप सबको पता है कि SN1 और SN2 में जीतता कौन है, SN1 और SN2 में जीतता कौन है, सर SN1 जीतता है, तो क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब आपको यहां क्लियर नहीं है कि हम SN1 कराएं कि SN2 कराएं, एसिटेट आयन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन बेस्ड चीज होती है, यही मैं इसका क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूं, तो SN1 इनको मैं जितवाऊंगा, तो इन दोनों में SN1 कौन फास्ट करेगा, ये फास्ट करेगा क्योंकि कैटायन जो है वो 4 अल्फा लेके बैठा हुआ है, दैट्स इट। अब सर इनमें भी मैं SN1 से आंसर ला सकता था, बिल्कुल आप SN1 से लाइए, इत्तेफाक की बात है कि SN1 SN2 दोनों से सेम आंसर आने वाला है, देख लेना सेम आंसर आएगा, ये रहा कलकत्ता विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन, लेकिन इसका वो आंसर दिया ही नहीं है जो, अब देखो एक चीज देखना, अल्कोहलिक NaOH लिया है, NaOH इन अल्कोहल, ये आपका बेस है, 2 डिग्री है, 100% एलिमिनेशन होना चाहिए था, 100%, तो आंसर मस्ट बी लाइक दैट, ये आंसर होना चाहिए था, ये किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं, किसी से ये कहां है, हाँ ये है ना, अब इसका आंसर लेकिन ये होना दिस मस्ट बी दिस वन आंसर। सर हीट कहाँ है, तो आप गधे हैं, आपको विलियमसन पढ़ाते वक्त भी बोला था कि हीट की जरूरत नहीं पड़ती इनके साथ, 2 डिग्री हीट होगी तो यील्ड बढ़ जाएगी इसकी, मतलब मान लो ऐसे बोलता हूँ कि SN2 मान लो 40% हो रहा है 60% ई हो रहा है, तो अगर आप हीट देंगे तो 80% 90% की तरफ ई की तरफ जाओगे, इतना फर्क पड़ता है क्योंकि ΔG=H − T ΔS, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी फॉर एलिमिनेशन। अब इन्होंने क्या किया, इतने बड़े कदे इन्होंने सिर हटा के वही लगा दिया आंसर गिवन बाय NTA, ये NTA ने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया था, मेरे को लगा उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, ये रहा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पर ठीक है ये आंसर दिया था NTA ने,
अपना आंसर ये होगा, 100% ये होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर यहां सही हो ना आप, तो फिर इस सवाल में क्या दिक्कत है? इसमें भी ये करो ना एस एन टू, यहां तो उल्टा 1 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री के बाजू में ब्रांच उठे थे तो मैंने ईटीई करा दी। देखो एनटीए का दोगलापन देखो, आओ मैं तुम्हारे को, आओ मैं एनटीए का दोगलापन उतारता हूं। ये 1 डिग्री पे ब्रांच लेकर तुमने एलिमिनेशन करा दिया, ठीक बात है, देखो रियलिटी ये नहीं कराया, एस एन टू नहीं कराया। यहां तुम 2 डिग्री का लेकर ब्रांच लेकर बाजू में मिथाइल लेके बैठे हो और अब तुम एस एन टू करा रहे हो जिसकी चांसेस रेयरेस्ट है, तो वो आंसर देते हो मेजर। लिटरली दे आर प्रो मैक्स खदे, बेवकूफ लोग होते हैं ना ये, वो लोग हैं, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं कि सोचना क्या। तुम एक सवाल में वो करते हो, एक सवाल में ये करते हो, गलत बात है। रियलिटी है वहां भी एलिमिनेशन होगा, रियलिटी यहां भी एलिमिनेशन होगा, यहां और अच्छा एलिमिनेशन होगा उसके मुकाबले। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसी किस्मत भी होती है। ये सवाल 2 बार पूछा गया अलग अलग तरीकों से, 3 सवाल, पहले एक बार एक में ये दे दिया बना के, फिर रिएक्शन का करवा के दे दी, मतलब सॉरी ये बना के दिया था स्ट्रक्चर, फिर ये दोनों पूछ लिए। एक में ऐसा पूछा हुआ CH10, मुझे क्या पता क्या है, सब में बेंजीन है, DU कितनी है 8, 9, 18, DU कितनी है 4, मतलब बेंजीन तो तय है। अब बेंजीन के बाद बचे 2 कार्बन, या तो 2 मिथाइल होंगे तो ज़ाइलिन बनेगा ऑर्थोमेटा पैरा, या इथाइल होगा, 4 आइसोमर पॉसिबल है। नाइट्रेशन किया है, ठीक है, और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि इथाइल है, इथाइल 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 इथाइल, क्लियर है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इथाइल। सर आपने तो मना किया ऑप्शन के लिए, आपको लग रहा है कि 4 पॉसिबल है तो ऑप्शन देख के समझ में, चलो ठीक है, एक भी ऑप्शन में अगर 2 मिसाइल होते तो मैं चलो ठीक है यार उसको उससे सोल्व करेंगे। फिर ये लिया, नाइट्रेशन किया तो NO2 यहां लगा, पैरा पे Br2 डेल्टा, डेल्टा मतलब रेडिकल रिएक्शन, तगड़ी रेट, ड्रॉइंग ग्रुप शानदार स्टेबलाइज करेगा डॉट को। सर डॉट की, सर कैटायन की स्टेबिलिटी इक्वल टू डॉट की स्टेबिलिटी, सर सर डॉट की स्टेबिलिटी इक्वल कैटायन की स्टेबिलिटी, चप्पल मारूंगा। जो ये बोलते थे ना बच्चे, वो बच्चों ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया कि अब वो भी ये बोलते हैं कि डॉट की स्टेबिलिटी प्लस आर माइनस आर, अरे कहते हैं माइनस आर स्टेबिलाइज होगा अल्कोहलिक KOH एल्कीन। अब देखो यहां तो अल्कोहलिक KOH में KOH इन अल्कोहल, यही है ना, यही है KOH इन अल्कोहल, ये क्या था NaOH इन अल्कोहल, इतना। तुम यहां पे तो 2 डिग्री में एलिमिनेशन चाहते हो और तुम वहां पे SN2 चाहते हो, कितना दोगलापन है, देखो तो सही, तुम खुद देखो दोगलापन, देखो भाई लोगों का, ये दैट इज योर आंसर। स्टाइरीन पे पैरा पैरोट, ये रहा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल तो बोनस था, इतनी गलतियां की भाई, इनको ये भी नहीं पता, इन लोगों को ये इतने गधे लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता मेंस वालों को ये सवाल गलत किया उन लोगों ने, पता है। सबसे बढ़िया तो भैया दुनिया में हर आदमी बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बीबी चाहिए, यहाँ बीबी मिल रही है तो मना कर दिया एंटी वालों ने, नहीं हम तो सिंगल ही रहेंगे, हम एक नंबर के नल्ले हैं, सबसे बढ़िया स्टेबल ही बी होगा। अब ए और सी में आई एग्री, 4 अल्फा 4 अल्फा ऑक्सीजन नेगेटिव से, रियलिटी क्या बोलती है, माइनस आई खींच रहा होगा, तो फिर ए फिर सी, सीधी सी बात है, किसी ऑप्शन में साथ दिया ही नहीं इन्होंने एक नंबर के कहते, ऊपर से बच्चों ने क्लेम किया तो भी मानने को तैयार नहीं, हम बीबी ने, हम तो बिल्कुल सिंगल लोग हैं, हम देखते भी नहीं उधर, देखेंगे नहीं, तो प्लीज डोंट अप्लाई बीबी, सिंपल अप्लाई द रूल, हे भगवान। फिर आंसर ही आ गया ए ए, फिर 4 अल्फाइज, फिर 2 अल्फाइज, ए सी बी, आंसर ए है। कैसे किया मास्टर, रिजल्ट देखना ही नहीं है, हाइपर यूनिटरी देख लो, 4 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 4 और 4 अच्छे हैं, इन दोनों में यह ऑक्सीजन खींच रहा होगा तो ए सी बी लो। मेंस वाले गधे हैं ना, आप भी ध्यान रखना इस चीज को, हम कैसे करेंगे वहां, क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी किस्मत होती है जहां पे लगने होते हैं, ये एन ब्यूटाइल अमीन, ये ठीक है, ये लिया। अब इसको पता है कैसे, अब देखो दिमाग से बिना सॉल्व किए कैसे करते, मुझे पता है कि पहले इसको लिविंग ग्रुप बना दो, ठीक है, कुछ भी लेगा, PCl3 PCl5 ROH2 RX कोई भी रीजन ले लो, लुकास ले लो, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl ले लो, X लग गया। अब कार्बन बढ़ाना है तो नाइट्रोजन के साथ एक ही रीजन थे NaCN या KCN,
एजीसीएन मत लेना, एजीसीएन एनसी जोड़ देगा, एजीसीएन एनसी जोड़ देगा, ये बना लिया। अब सीएन को CH2NH2 बनाना है तो H2 निकल डाल दो या मेटल एसिड डाल दो या NaBH4 डाल दो, बहुत सारे रिएजेंट्स ले लिया। तीन स्टेप पर ये है। और तरीका क्या हो सकता है, इसका डिहाइड्रेशन कर दो, अल्किन बना लो, फिर एंटी मार्कोनिक को BR लगा लो। जरूर थोड़ा ये एक ही तरीका है बस, ये आपने लिखा जो तरीका सर मास्टर, और तरीका हो सकता है, आप भी अपना अपना तरीका बना सकते हो। उसमें क्या है, अल्किन बनी, अल्किन पे एंटी मार्कोनिक को HBr परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड ले लो, बन गया। फिर तीसरा BR लग गया था, सेम KCN, चौथा निकल, वो तरीके चार। तो पहले बात करें HCl सही है, SOCl2 सही है, SOCl2 सही है, HCl सही है, KCN नहीं, क्या करना है, हाँ KCN, H2 निकल का कोई मतलब नहीं है, KCN सही है, ये सही है, ये गलत है, क्या मतलब इसका, तो सेकेंडरी अमाइन बना देगा, सही है ये बना, Cl लगेगा, फिर आपका बन जाएगा NH, ये आंसर, देखा कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे अब तक तो सही चल रहा है, H2 निकल बिल्कुल सही रिडक्शन 100%, या ये ले लो, तो कितने बेवकूफ इन्होंने NCERT, तो NCERT में और था, और ये लो चाहे ये लो, इन्होंने दोनों लिख दी जो मर्जी पड़े, थप्पा दोनों ले लो, कुछ भी चलेगा, इसमें ये नहीं चलेगा, फिर आप ये इस पर कुछ नहीं करेगा, KCN पे ये डालोगे तो कुछ नो रिएक्शन, इसीलिए द आंसर इज आगरा, द आंसर इज आगरा, बहुत सिंपल यार, स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री का एक्स, पक्की बात है एलिमिनेशन होगा, तो ये आएगा यहां से एच लेगा, तो आंसर विल बी आइसोब्यूटीन प्लस टर्शरी ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटीन प्लस टर्शरी ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटीन प्लस टर्शरी ब्यूटेनॉल, दैट इज आंसर। तो कौन सा दिया है हम देख लेते हैं, 2-methylpropene दिया है कि ये रहा 2-methylpropene ये दिया है, या फिर दोनों दे सकते हैं, कभी होता था आपको ये ना मिले, बोले ये तो मेरा तो ये आ रहा है, दिया ही नहीं है, दिया ना दूसरा वाला भी ध्यान रखना, तो ये कहां से आया दूसरा वाला, अब इसने एच लिया होगा ना, तो ये बना होगा, ये भी ऑर्गेनिक प्रोटीन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का होवे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, टू एनी इलेक्ट्रोफाइल दुनिया के, और ये इलेक्ट्रोफाइल अगर एच प्लस हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम हो जाएगी, कौन अच्छा होगा, तो इन दोनों में क्या फर्क है, ईएन का इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, गलत। पानी और OH- माइनस में क्लियर दिख रहा है कि भैया OH- माइनस आगे आएगा, नेगेटिव जल्दी देगा लोन पे, ROH RO- माइनस ये भी गलत है, NH2- माइनस अमोनिया ये बिल्कुल सही है, देख रहे हो सवाल का लेवल, देख रहे हो, टोलियन को बेंजल्डिहाइड बनाना है भैया, हाइड्रो कार्बन याद कर लो, 100 बार कर चुके हैं, PHCH3 को PHCH4 बनाना है, तो ये करने के लिए या तो आप इटार्ड कर लो इटार्ड रिएक्शन CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2 देन H2O, या फिर CrO3 इसी का भाई CrO3 Ac2O, याद है क्या बनता था, कॉम्प्लेक्स क्या था, PHCH, मैंने क्या बोला, अगर ये आपको मैंने कॉम्प्लेक्स भी सिखाया था कि कैसे बनाते हैं, कि हमें अगर ये बनाना है हाइड्रोलिसिस लास्ट में तो दो बॉन्ड जाएगी, तभी तो OH बनेंगे और CHO बन जाएगा, तो दो हो जाएंगे तो PHCH OAC, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस वन, इस वाले में मैंने क्या कहा था कि ओ जुड़ेगा आगे, PHCH ओ जुड़ेगा आगे, ओ और CR आ गया, ओ CR OH बन जाएगा, क्यों बन जाएगा OH, क्योंकि H जो आपने निकाला वो वापस OH ले लेगा, इसमें जा रहा होगा Cl2 होल्ड ट्वाइस, ये रहा ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स याद है, द ब्राउन कलर, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे दो OH हो जाएंगे तो CHO बन जाएगा, ये भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CHO बन जाएगा, दैट्स इट, याद है आपको ब्राउन कलर, अब कौन सा इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा दिया, अरे याद करो समझे, CrO3 एसिटिक एसिड हाइड्रोलिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, देखो 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 कितने शौने सलोने, ये कलर देखो मेरे से भी गलती हुई एकदम से, मैं क्या सोच रहा था, CrO3 क्या ये एसिटिक एसिड है, कैसिटिक एनहाइड्राइड है,
मैं इसलिए ऑप्शन सारे चेक करता हूँ भाई, मेंस वाले एसिटिक एनहाइड्रेट सही है भाई, K1O4 ना, ये तो बेंजोइक एसिड बना देगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये काम बनाता है, अगर बेंजीन होता यहां पे ऑक्सीजन बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड तो ये लेते हैं गैटरमैन कोच। जेई एडवांस का डिट्टो उठाया हुआ सवाल, हेलो जेई एडवांस का डिट्टो सवाल उठा लिया सेम टू सेम। PHS- फ्लोरीन हटेगा क्या? नहीं सर, बेंजीन का एक्स नहीं छूटता है, ऐसे मत करना, छूटता है कब, जब विड्रोइंग ग्रुप एफ जो है वो NO2 के मेटा पे है तो नहीं हटेगा, अगर यही NO2 इसके ऑर्थो या पैरा पे होता भाई साहब, ये NO2 यहाँ होता ना तो ये हटाना पड़ जाता, तो आंसर ये वाला आता इस टाइप का, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, ये नहीं हटेगा तो ये एफ, तो एफ रहेगा, तो ये दो ऑप्शन हो गए ठीक है। ऑप्शन से क्यों करेगा, ये वेज में दे रखा है तो अटैक होगा, डैश में आ जाएगा, डैश में SPH, दैट्स इट, ये आंसर सिंपल N2 रिएक्शन थी, ये रहा डैश में SPH, इसलिए मैं वेज पे रख दिया SN2 नहीं की। छोटी छोटी गलत, छोटी छोटी चीज, आप देखो कितने बारीक बारीक चीज है, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार ये, ये क्या है सर, बड़ा इसीलिए IUPAC पढ़ाई गई, नॉर्मल ब्यूटाइल चार कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड ठीक है, NB क्या, N पूल है, ये वही नॉर्मल ब्यूटाइल LI, इसका मतलब ये है ट्रिपल बॉन्ड माइनस LI प्लस, सॉरी क्या ले रहा हूं, माइनस LI प्लस, तो ये क्या, ये बहुत भयानक बेस है कि नहीं, कार्बन का माइनस हाईली अनस्टेबल एसिड बेस करेगा यहां से, तो पहली स्टेप में आपको इसको काम करता हूं ना, इसको पी मान लेता हूं ठीक है ना, पी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस LI प्लस बन गया, प्लस ब्यूटेन बाहर हो गया एस प्लस लेने के बाद, एन नॉर्मल C5H11Cl, डी बराबर ही है, तो पांच कार्बन एक नॉर्मल प्लस क्लोरीन, पी सी ट्रिपल बॉन्ड सी क्यू, पी में चार कार्बन है, तो ये एन ब्यू था, ये एन ब्यू है और ये एन पेंट है, नॉर्मल पेंटाइल ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल पेंटाइल ठीक है। अब लिनलार डाला है H2, तो H2 लिनलार मतलब एक बार रिएक्शन करेगा सिन एडिशन, तो आपका आंसर आ गया पी, कितना बढ़िया सवाल, सोचो डबल बॉन्ड सी क्यू, ये बन गया, ये ब्यूटाइल ये पेंटाइल, देख लेते हैं कहाँ हम ऑप्शन में है, ये रहा सीधा सीधा आंसर है सी ब्यू पेंट, दो ब्यू कहां से आ गए, दो ब्यू कहां से आ गए, ट्रांस नहीं आएगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता तो आंसर डी होता, बहुत अच्छा सवाल, ये देखो मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहां देखा हुआ है सेम सवाल आ गया, वो चपन ने किया था इथाइल बेंजीन वो CH10 वाला Br2Fe, वहां पे नाइट्रेशन करवाया था इन्होंने, Br लगवा दिया, Cl2H2Cl लगवाया, अल्कोहलिक केवल अल्किन बनवाया, कहता हूँ सेम सवाल, बस इन्होंने Br2Fe वहां पे नाइट्रेशन था, सेम क्वेश्चन अल्किन पैरा पे Br, बहुत बेसिक चीज है, देखो Br2Fe Cl2 डेल्टा, बच्चा को पता लगना चाहिए कि भैया Br2 डेल्टा नहीं है, ये Fe है तो बेंजीन पर अटैक होगा। कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन के लिए इनर्ट है, जो रिएक्ट नहीं करेगा, बेंजीन का एक्स, अलाइल एक्स, ब्रिज वाला, मतलब कुल मिलाकर लॉजिकल है, ये कर लेगा 3 डिग्री, शानदार करेगा, शानदार करेगा रेजोनेंस, शानदार करेगा, ग्रेट सूट। फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, बिल्कुल सही बात है सर, क्यों सर फिनॉल अच्छा होता है पानी से, अरे पानी से अच्छा है मतलब, तो ये तो देखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, HBr, एसिटिक एसिड, इवन दो फिजिकल केमिस्ट्री में एसिडिक एसिड की औकात भी बफर बनाने तक की होती है, इवन दो फिजिकल केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड की औकात बफर बनाता, केवल इतना वीक एसिड होता है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, हम उसको एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ध्यान रखना इस बात को, देयरफोर इसीलिए दे आर फ्रीली सोल्यूबल इन NaOH सोल्यूबल, बिल्कुल सही बात है, एंड आर वीकर एसिड्स देन एल्कोहल एंड वॉटर, ये अरे ये कहां तो सही है भाई, ये फिनॉल पानी से और अल्कोहल से कहां वीक एसिड है भाई, बिल्कुल गलत बात है, वॉटर और अल्कोहल दोनों से स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल, 1 through 2 volt, मंथ लू 2 volt कौन सा है भाई, सही
ये सबसे बेहतरीन सवाल था इस साल का, मुझे मुझे जहां मुझे भी फील आई। कितने हैं? 2023 तक की बात है। 23 सवाल लाया हूं ना मैं, लाया हूं हाँ, 2023 के भी सवाल लाया हूं। .100 स्लाइड पर खत्म होगा। 30 क्वेश्चन और है। आप सोचो कि 22 और 23 मिला के 30 क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा तुम खुद सोचना। ये लिया सर, ये क्या है, ये क्या है? ये है टोसाइल, TSCL, टोसाइल क्लोराइड, मिथाइल एमी, SO2Cl, S डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O Cl, टोसाइल, दैट इज टोसाइल Cl। O का टेक 5 स्टार पे लात मार के Cl को बाहर। तो आपका यहां से क्या बन गया, ये वैज का वैज रहा, वैज का वैज रहेगा, नो चेंज, क्योंकि अटैक ऊपर से हो रहा है। OH बॉन्ड टूट रही है, इस बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकम्स OTS। क्यों किया सर ये? ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब इसको तगड़ा लिविंग ग्रुप बना दिया, क्योंकि अब यहाँ O लगने के बाद अब ये शानदार लिविंग ग्रुप बन गया। या टूटेगा तो नेगेटिव आएगा, जो कि इक्वी 3 इक्विवेलेंट अरेस्ट करेगा, दैट्स व्हाई OTS बिकम अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए NaCN डाला गया है, CN माइनस अटैक करेगा, सो आंसर विल बी डैश में CN, इस पे कुछ चेंज नहीं होगा, सो दैट इज योर आंसर। मोस्ट अच्छा कौन सा होगा? अब देखो इसमें पता है क्या किया है सालों ने, देखो कहीं भी ऑप्शन ही नहीं है, डैश वाला यहाँ, यहाँ वेज वाला डैश कर दिया, तो कहीं से बच्चे ये डैश है, ये डैश है आंसर, गलत मत करना है इसे, डैश और वेज। अब इन्होंने फर डैश डैश ये गलत हो गया, वेज वेज ये गलत हो गया, दोनों आएंगे तो अपोजिट आएंगे। अब इन दोनों में इन्होंने जानबूझ के घुमा के दिया, ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं ना सर। अगर ये आंसर जिस कंफर्मेशन में दिया है ये फोन, यहाँ दोनों उल्टे कर दिए, दोनों सेम साइड हो गए, ये आंसर तो वही है, तो लेकिन ये आया कैसे? घुमा दिया, पलटी मार दिया इसको, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा सकते हैं तो कैसे भी घुमा लो ना, ऐसे पलटना पलट लो, कंपाउंड आपका ही तो है तो घुमा लो, तो ये बन जाएगा। जानबूझ के घुमा के दिया ताकि बच्चा घूम जाए, नहीं नहीं ये तो वेज नहीं आएगा, भाई घुमा के लिख दो तो वेज भी आ जाएगा, ऐसे लिख दो लो, ये भी सही है। इसको ऐसे घुमा दिया नीचे की तरफ, ऐसे ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, वेज में चला गया, ये उल्टा हो गया, ये भी सही है, समझ गया बात को? तो जान बुझ के ऑप्टिकल के साथ खेला है, कितना तगड़ा, जिसके सेट में आया था उसकी आदत खराब हो गई होगी। पहले तो रिएक्शन पहचानो, OTS बनाया, लिविंग ग्रुप बनाया, क्लास इससे अच्छे सवाल किए हैं, पर फिर भी ये आधे तो यही देख के खत्म, टाइट्रेशन आ गया। अब इस सवाल में लिटरली बिना सोए बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। एक कंपाउंड है नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों है, ठीक है, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन मत देखो, वरना क्या तुम थॉट बनाने लगते हो ऑप्शन देख के। इट डिजॉल्व रेडिली इन वॉटर, मतलब सॉल्ट, रेड वर्ड कोई मतलब नहीं, लिटमस रेड कर रहा है, मतलब एसिड होगा, बेस होगा, एसिड है, पर ठीक है छोड़ो ना, छोड़ते हैं इसको। एक स्टैंडर्ड बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, भार में या मॉलिक्यूलर वेट भी कोई काम करे, बस व्हेन सिंपल ए इज ट्रीटेड विद एक्वस एनिमल, मतलब एसिड था, तय था, अ लिक्विड सेपरेट विच कंटेन्स नाइट्रोजन बट नॉट क्लोरीन, मतलब एसिल अलग हो गया। अब आपके पास बन गया RnS2, इसका मतलब पहले रहा होगा RnS3 प्लस Cl माइनस, HCl को अलग कर रहा था। ट्रीटमेंट ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन लिक्विड, ये RnS2 विद नाइट्रस एसिड HNO2, NnO2 HCl, HNO2 और NnO2 HCl, फॉलोड बाय पिनॉल, यूज ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, समझ रहे हो? तो कपलिंग रिएक्शन, इसका मतलब तय हो गया कि भैया आर क्या है, एनिलीन है, बेंजीन है, तो आंसर विल बी स्टार्टिंग कंपाउंड विल बी पीएच NH3 प्लस सीएल माइनस, ये बेंजीन नहीं है इसलिए आंसर नहीं, कि ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा, ये वाला कपलिंग देगा, पर ये जो ये सॉल्ट वोल्ट है ये सब नहीं देगा, ये वाला सॉल्ट है पर बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन भी है और सॉल्ट भी है, मजा आ जाएगा देख लो। इतना बेसिक जानकारी अगर आपको होती ना तो ये सबकी टर्न 131 प्लस माइनस 2 ये सब क्या है सर, छोड़ देते ना, वो तो एच का मास ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें क्या है? एनिलीन ऑन नाइट्रोजन, एनिलीन फिर से आ गया भाई, एरोमेटिक का सवाल, एनिलीन ऑन नाइट्रोजन यील्ड्स, अब यार ये सवाल मैंने यहाँ क्यों रख दिया, एनिलीन ऑन नाइट्रोजन यील्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, बिल्कुल सही बात है,
नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। इसी के चलते मेटा ज्यादा आता है, पैरा फिर मेटा फिर ऑर्थो आता है, पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। बेंजीन पे ओलियम डाला, क्यों पूछ रहे हो भाई, ये तो पता ही हमें, आंसर तो लगा दिया, ठीक है। तो क्या पूछा भाई, यील्ड बतानी है। अच्छा, पहली रिएक्शन की यील्ड 60% है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, ऑर्गेनिक घुस दी जबरदस्ती में। इससे अच्छा होता कि मास ये सब ना देखे पी देते और मास पूछ लेते, यील्ड देखे या कुछ भी ऐसा कुछ बोल देते। तो ओवरऑल यील्ड कितनी होगी, काम करो इसके 100 मोल मान लो, 100 मोल मान लो, कहीं लोसा तो नहीं है, 100 मोल मान लो, तो 100 के कितने बने होंगे, 60 मोल बने होंगे, 60 के कितने बने होंगे, आधे 30 बने होंगे, मतलब यील्ड कितनी है, केवल 30% यील्ड है, तो 100 के 30 ही रह गए ना, तो 30% यील्ड ले लो। एरर सर, ने 100 क्यों माने, अरे भाई यील्ड परसेंटेज की बात कर रहा हूं, 100 ले लिया था कि इजी रहेगा निकालना। H2PdBSO4 BSO4, अरे भैया लिंडलार कैटलिस्ट और रोज मुंड मुंड रोजन मुंड चाल नंबर एसेंशियल टू HCl हाइड्रोलिसिस स्टीफन रिडक्शन CrO2 अभी अभी किया था इटार्ड रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन 4 3 2 1 4 3 2 1। सवाल देख रहे हो भाई, ऐसे सवाल आते हैं। इन द अबव रिएक्शन द 5 ग्राम ऑफ टोल्यून, देखो अब यहाँ पे इसके 5 ग्राम दिया है, यील्ड दी हुई है, बोला बेंजल्डिहाइड में बनाया है, ये एक से एक ही बनेगा, हाँ ठीक है। द अमाउंट ऑफ इसका मास निकालना है, तो इसका रिएक्शन उसी का तो यूज नहीं है, 5/5 इसका, इसके जितने मोल होंगे उतने इतने मोल बनेंगे, इसका मोल कितना होगा, 5/5 इसका मोलर मास कितना होगा बेटा, 12/7 84 प्लस 5 और 3 8 84 and 8 92, इतने मोल होंगे इसके 5/92, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 5/92 इनटू इसके परसेंटेज यील्ड 92/100। अरे वाह, इसलिए सालों ने चार्ज कर दिया काटा, इसका मतलब 1/20 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन, 1/20 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन, इसके 1/20 मोल बनेंगे। अब बोला है इसका मास पूछा है क्या, अमाउंट पूछा है, तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, 12/7 84 5 और 1 6 हाइड्रोजन गिन रहा हूं और ऑक्सीजन 16 कितना हो गया भाई, 90 और 16 106, 1/20 इंटू 106, ठीक है लिख गया, वो का वो लिखा, 2 से काट दो 53 5.3 ग्राम, 10^-2 करना है, भगवान यार ये लोग क्या करते रहते हैं, सही में बेवकूफ लोग हैं, 5.3 × 10^-2 अपॉन 10^-2, उसको ऊपर ले जाओ 100 से मल्टीप्लाई कर दो कुल मिला के, दैट विल बी योर 53, एक गया 2, 530 ग्राम, 530 × 10^-2 ग्राम, तो वैल्यू क्या हो गई, 5 आंसर। पर पता है इन सवालों में इन्वेस्ट करना इसलिए अच्छा है कि ये मैथमेटिक्स के सवालों में इन्वेस्ट करोगे, इससे अच्छा इसमें कर लो, आसान आंसर तो आता है, कम से कंफर्म आंसर आता है। ये लिया, हाय हाय पिनोल का सवाल है वैसे तो ये, बट ठीक है चलो। बेंजीन क्या फिनॉल, क्या अल्कोहल, क्या एल्कोहल, सब बराबर है, प्योर फिनॉल का सवाल है, प्योर फिनॉल का सवाल है, ये लिया, यहां बना, आप सब बने, क्या आप सभी अपना नाम पहचान पा रहे हैं इसके अंदर, क्या आप सभी लोग आईने में अपने आप को देख पा रहे हैं इसके अंदर, जानते हो ना इसका नाम, तुम्हारा नाम क्यूमीन, क्यूम क्यू को क कर दो, है ना, O2 क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, हाँ मास्टर याद आ गई, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन, तो ये फिनॉल की रिएक्शन है। ब्रोमीन इन CH2 नॉन पोलर, 1 Br फिनॉल पे, 1 Br और Na2Cr2O7 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कर दो, देयर विल बी C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट्स इट, बेंजोक्विनोन। इनको नाइट्रेशन के ऑर्डर में जमाओ, तो पैराजाइलीन,
मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है। ब्रोमो बेंजीन, मेसिटिलीन, कई बच्चे बोले उन्होंने क्लास में किया, अरे मत करो भाई क्लास में क्यों, तो इसको एकदम फ्रेश सवालों को अटेंड करना। बेंजीन, अब सबसे ज्यादा डेंसिटी 3 मिथाइल, तगड़ा, 2 मिथाइल, फिर ये विड्रोइंग, ये विड्रोइंग, माइनस आई माइनस आर, ये फिर माइनस आई, मैं तो भाई ऑर्डर निकालता, मैं ऑप्शन देखता भी नहीं हूँ इन चीजों में। CAE CAE BD, ये रहा, समझे मेरे गधो, समझ में आया? ये भी इसकी रिएक्शन है, फिनॉल की, फिनॉल को रिएक्ट कराया कॉन्ग के एचआई के साथ, एच प्लस गया, ये बॉन्ड तो कभी टूटेगी नहीं थी, यही बॉन्ड टूटेगी, 2 डिग्री है आराम से, आई का अटैक आपका बन गया फिनॉल प्लस 2 डिग्री पे आई। अब ये भी जिंक से रिएक्ट करता है, ये भी करता है, दोनों को रिएक्ट करा देता हूं, यहां से बना बेंजीन और इसको कराया तो ये बना आपका, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, क्या बोला है, ए और बी बताना है, ए ये नहीं है, तो फिनॉल ही लिया है, मतलब ये भी गलत है, फिनॉल लिया है, फिनॉल पे जिंक डालोगे तो ये कहां से बन जाएगा, वो तो N2CR2 से बनेगा, बेंजीन डी इज करेक्ट आंसर, समझ गए, दोनों लेके चले, ये नहीं कि यार एक दे दिया बस बात खत्म हो गई। 23 शुरू हो गया है भाई साहब, द क्लासिक क्वेश्चन, द क्लासिक क्वेश्चन, बहुत तगड़ा सवाल यार, 2023 के सवाल बहुत अच्छे थे, मेरे को ज्यादा फील आ रही है, तो याद भी आ रहा है, कुछ कुछ सवाल तो बहुत अच्छे थे सीरियसली। इन एसीटोन आई का टेक है, अच्छा बी आर था, ओके ठीक है, ऐसे ये आपकी फिंकरस्टीन रिएक्शन है ना, एसीटोन क्यों लेते हैं, ताकि वो पीपीटी बनाने के लिए, तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड ऑन आयन, तगड़ा 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 सवाल है, तगड़ा सवाल है भाई साहब, मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये वो सवाल है जो मैंने कहा था क्लास के अंदर, अभी तक तो मैंने किसी को भी ये बताते हुए भी नहीं देखा। वो याद है मैंने एक सवाल दिया था कि चार ऑप्शन ध्यान रखने, चचा के चेक करो SN1 SN2 के अंदर, जस्ट उसके बाद कि इन चारों रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करो और उनकी पोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ये सवाल ही है, उसी पे बेस्ड है ये आदल को, तो इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मड इन द अबव रिएक्शन लेयर पर, ये क्या लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है इस रिएक्शन की वो ये रही होगी, ये 2 डेल्टा माइनस, ये चार्ज कम हो रहा है, ये चार्ज बढ़ रहा है, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मड इन द अबव रिएक्शन लेस पोलर देन द लोकलाइज अनायन, बिल्कुल गलत बात है ये, इसकी पोलरिटी कम है इसके आई माइनस से, ना ना बिल्कुल नहीं, द रिएक्शन के ना करें एसिटिक एसिड, बिल्कुल गलत बात है, एसीटोन लेते हैं क्योंकि सोल्यूबल होता है इसके अंदर, NaBr इनसोल्यूबल होता है तो वो पीपीटी बना लेता है, द सोलवेंट यूज इन द रिएक्शन सोलवेट द आयंस फॉर्म इन द RDS, क्या ये इनको सोलवेट कर लेता है, क्या एसीटोन इनको सोलवेट करेगा, क्या इसमें सोलवेट करेगा, सोचो, बहुत ही तगड़ा, मैं कह रहा हूं ना आपको इस सवाल को करने के लिए औकात चाहिए भाई, देखो चारों स्टेटमेंट, अब इसमें भी बहुत बहस हो सकती है, इसके ऊपर भी बहुत बहस हो सकती है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, लोकलाइज अनायन क्यों लिखा है इन्होंने, ये सवाल इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी एक बुक से उठा के पूछ लिया बस। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप इस पर अभी भी अटके हुए कैसे हो, लैंग्वेज की वजह से, बहुत गंदी लैंग्वेज है, मैं इनकी भाषा समझ रहा हूं कि ये पूछना मुझसे क्या चाह रहे हैं, बट मैं ये सोच रहा हूं कि उस मोमेंट पे बच्चे को कैसे ये बात आनी चाहिए दिमाग में, वो सोच रहा हूं दिमाग में, ये गलत है, ये भी गलत है, क्यों सर, क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव को सॉल्वेट करता है क्या, या स्टेबलाइज करता है क्या, नहीं सर, इस जगह पीपीएस होता तो इन दोनों को घेर लेता, इसीलिए पता है आपको मैंने एक बात बोली भी थी, चलिए कोई नहीं, कभी किसी दोनों बताएंगे कि आरडीएस के अंदर जो आयन बन रहा है उनको तो ये सॉल्वेट नहीं कर पा रहा, गलत बात है, बी आर माइनस कैन एक्ट एज ए कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी आर माइनस अगर जो निकल रहा है बिकॉज ये पीपीटी बना लेता है तो ये एज ए न्यूक्लियो, हाँ अगर ये पीपीटी नहीं बनाता तो बिल्कुल 100% इसीलिए एसीटोन लेते हैं, एसीटोन क्यों लेते हैं कि बी आर माइनस कंपीट ना करे,
अगर आपने एसीटोन नहीं लिया तो बीआर खुद अटैक करके बोलेगा आई तुम तो अच्छे लिविंग ग्रुप हो, तुम निकलो साले, रिएक्शन को पीछे लाएगा, इसलिए रिएक्शन पूरी रिवर्सिबल होती है। तब तीन गलत है, चौथा वाले में बहुत गंदी लैंग्वेज देके सालों ने पूछा है। तो ट्रांसिस्टेड फॉर्म द अबाउट रिएक्शन लेस पोलर, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज है, ये चार्जेस कम होंगे लोकलाइज अनायन, जो ये अनायन पड़ा हुआ इसके, बिल्कुल सही बात है, पर ये कहीं ना कहीं नेट चार्ज या मैं तो कह रहा हूं बराबर होगा भाई, जितना इसकी वैल्यू होगी इन दोनों के मिला के उतनी ही वैल्यू उसकी होगी। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, गलत पता है क्यों है, यहां पर भी तो इस वाले पोजिशन पर भी तो डेल्टा बने जा रहा होगा, पांच बोन बन रही है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो ज्यादा होगा इससे, बट इन्होंने पोलरिटी की बात की है, लैंग्वेज में समझ रहा हूँ एक बेस्ट पॉसिबल, ये तीन तो सरासर गलत है, इसे चौथा मार रहा हूं मैं, क्लियरली बोल रहा हूं इस सवाल में मैं इसलिए ये मार रहा हूं क्योंकि बाकी तीन गलत है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं है, पर ठीक है जेई मैन तो जेई मैन से। SN1 देख लो भाई, लोग कितने बेवकूफ लोग हैं कि भैया चलो इनमें से कौन फास्ट करेगा SN1, ये वाला बिकॉज कैटायन स्टेबलाइज है, मतलब सो इसमें क्या करना, ये वाला बताना है कि कौन सा वाला फास्ट करेगा, IA IB, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला, यहां पर भी ये बी वाला, ये क्योंकि ये ब्रेड सूल, यहां पर 3 डिग्री है, SN1 पूछा है, ये वाला कुल मिला के SN1 SN2 की रिएक्टिविटी पूछी है, तो AA BA कहां है भाई, AA BA ये रहा, पर सवाल अच्छा था, मतलब पूछने का तरीका अच्छा, मतलब होता ना कि वो आपके बैठने का तरीका कैजुअल है, नहीं आप यहाँ पूछने का तरीका कैजुअल नहीं है, अच्छा है, जैसे इस सवाल में मैं बोल सकता हूँ कि आपके सवाल पूछने का तरीका बहुत कैजुअल है, कुछ भी पूछ लिया, यहाँ बहुत अच्छा था। SN फिर से वही सेम सवाल आ गया, अपन ने किया हुआ सवाल है कि NO2 खींचेगा -R ऑर्थो पे, ये ऑर्थो पे, ये प्लस R उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, बेकार कर दिया इसने, तो खींचेगा तीनों भाई तगड़ा गर्म पानी, तो सबसे बढ़िया डी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, क्लियर, सिंपल जी उसी का सवाल है, क्या पूछा भैया, फॉलोइंग पेयर का टूवर्ड्स, बट टूवर्ड्स क्या, अच्छा ओके ऑर्डर दे दिया है, लिखा आ गया, अच्छा मेरे इतना तो गुजर किसके रिस्पेक्टिवली, मतलब अच्छा SN2 के लिए, SN2 के लिए 1 डिग्री 3 डिग्री हिंड्रेंस आराम से अटैक, बिल्कुल सही है, SN1 बिल्कुल सही है, कैटायन स्टेबलाइजर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई, न्यूक्लियोफिलिक होता तो बिल्कुल उल्टा होता, इलेक्ट्रोफिलिक में सही है, ये विड्रॉइंग है -I, यहाँ पे -I -R, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता जैसे वो रहा पूछ भी लिया, तो उसमें ये विड्रॉइंग है, ये गलत है, उल्टा आएगा, उसमें NO2 खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा M कॉम्प्लेक्स वो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है AB and C भाई लोगों ने ऑप्शन ही नहीं दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ओ भाई कितने कथे लोग हैं यार, ये लोग कितने कथे लोग हैं, मेंस वाले साले, देखो चेक कर दो भाई, सवाल यही था क्या, एक काम करो, ऑप्शन ये था, एक काम करो इसको सही कर लो, मेरा उल्टो कर लो, अगर जेई मेंस मुझे याद नहीं एग्जैक्ट ये आया था कि नहीं आया था, एग्जैक्ट यही था तो कुछ नहीं कर सकते आप, ABC तो सही है, अब ABC तीनों सही है तो फिर मैं मान लेता हूँ कि भैया ऑप्शन इन्होंने ये वाला दिया होगा, इसको सही होगा, एरो उल्टा दिया होगा, या तो फिर ठीक है आपकी गलती नहीं है, आपको जब मैं सवाल दूंगा ना, जब आपको ये सवाल दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, आपको सवाल दूंगा उसमें सही कर दूंगा एरो को, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों रिएक्शनों के लिए करेक्ट वो बताना है, न्यूक्लियोफाइल लिया है, अटैक करवाया, तो ये OME है, अगर ये SN1 होता तो मजा आता है, SN2 में तो बहुत कम होगा, SN1 होगा तो मजा आ जाएगा बैकबॉन्डिंग से, ये NO2 है, ये पक्की बात है, ये तो SN2 ही करना पड़ेगा, SN1 तो मौत आएगी बहुत ज्यादा, ये दोनों कर सकते हैं, जो प्राइमरी है स्टेबलाइजर तो हाँ, पर बेटर करेगा SN1 बेटर। अच्छा देखो आ गया ना, ऑर्डर ऑर्डर की बात कर ली, तो SN1 क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 सेकंड ऑर्डर है, तो पहली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और दूसरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है,
बहुत आसान नहीं, वन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड इज सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल सही आंसर है, पर सूडो फर्स्ट आना चाहिए था ऐसे में, ठीक है सूडो को फर्स्ट बोल दिया। इस सवाल को बहुत लास्ट में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है एमजीबीआर लिया, ये क्लास का सवाल है मेरे। अब ये करके नहीं छोड़ा है इन्होंने, कहा कि अब क्या करें, अगर आप इस डेल्टा, मैंने जो सवाल करवाया था उसमें रिंग बन रही थी, स्टेबलाइज थी, पांच की रिंग बन रही थी, इन्होंने क्या कराया, अटैक कराओगे तो एक दो तीन की रिंग बनेगी, हाईली अनस्टेबल, तो फिर इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करवा दिया इन्होंने, इसी के दूसरे, अब ये वाला नहीं बन सकता ना, थ्री मेंबर रिंग तो नहीं बन सकती, हाईली अनस्टेबल है, ये गलत हो गया। अब ये वाला मैं कह रहा हूँ ना, ये वाला असर, ये भी तो सही है, आई एग्री सही है, आई एग्री सही है, पर करे क्या, मीन्स तो मीन्स है अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करा दिया, पाई स्टार पे अटैक, दैट्स इट। ओ माइनस बना होगा उसको, ओएच कर दिया। बकवास सवाल है, बहुत बकवास है, छोटा वर्ड है इस सवाल के लिए, बकवास छोटा सवाल है, बहुत बड़ा, बहुत घटिया सवाल, क्या करें भाई, मेंस तो मेंस है। टू मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, अब नाम ही गलत देते हैं साले, टू मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है बे, टू मिथाइल या आइसोप्रोपाइल लिख देते तो ETO माइनस, वन डिग्री है, ब्रांच्ड है, E2 कराऊंगा अल्किन बन जाएगी ये वाली, वेज ऑन एक्शन विद इथेनॉल सिंपल आएगा। अबे ध्यान ना, ये मेंस का सवाल है, मैं इसे बिल्कुल रिलाई नहीं करता, होता तो सारे ये दे दे, यहाँ पे होता ये भी दिक्कत दे दे, इनका कोई भरोसा ना, बेवकूफ लोग हैं ये भाई, कोई भरोसा ना इनका। इथेनॉल लिया है, इथेनॉल क्या है बेटा, PPS है, हीट नहीं कर रखा है, PPS है, तो बीआर हटेगा, प्लस बनेगा, रीअरेंज करेगा, सो आंसर विल बी OH। अब देखो देखो ये देख, ए को बनाने में कहीं पर भी सालों ने ई नहीं बोला तुम, अच्छा कितनी अजीब बात है, यहां बेंजीन था तो तुमने वहां E2 करवाया उस सवाल में है, और मेजर बोल रहे E2, यहां तुम SN2 करवा रहे हो मेजर, खजब खजब यार, बहुत खजब मेंस वाले, मन करता किसी ने इनको बैठा के ना लाते मारो को खींच खींच के, साले कभी एक चीज पे तो रह लो, SN2 वन तो खत्म ही कर दो ऑप्शन में, उन्होंने वो माना है, तो ये क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, इथर, अच्छा कॉमन नेमिंग पूछिए वो भी, वन एक दो तीन चार, आइसोब्यूटाइल इथाइल इथर सही है, टू ब्यूटाइल टू इथाइल टू ब्यूटाइल, ये टू ब्यूटाइल क्या होता है बे, कुछ भी ये क्या है, नाम ही गलत, SN1 में क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल इथर, बिल्कुल सही, SN1 रिएक्शन, साले SN1 SN2 पूछना ही था, तो कुछ और पूछ लेते, बेस देखकर इतने इतना स्ट्रॉन्ग बेस देखकर, तो बेस देखकर तो पहले 1 डिग्री ब्रांच पे करवा रहे, मेजर वैसे एक्चुअल रियलिटी में तो ये आता है, अच्छी किताब को पढ़ोगे तो ये होगा, ये आएगा आंसर, पर मेंस वाले तो मेंस वाले हैं ये देखो उसी टेबल से सवाल है, उसी टेबल का सवाल है, टेम सवाल उस ना, जनरल न्यूक्लियोफाइल वाला, एल्कोहलिक केवेज E2 अल्कीन, KCN CN नाइट्राइल, NO2 नाइट्रो, एस्टर 3142, हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये भाई साहब तगड़ा तगड़ा सा ये है, मैं बताता भी उसको, न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड RCl विद NaI इज एज लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI मैं कह के टॉपिक आई है NaOH चाहे, अच्छा ओके सॉरी सॉरी
हाइड्रोलिसिस ऑफ इज विद हाइड्रोलिसिस सॉरी एनएच इस रिएक्शन को करते हैं तो आंसर आता है आरओएच। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर एनएआई की प्रेजेंस में किया जाए रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। उसका रीजन ही यही है क्योंकि पहले एनएआई अटैक करके आरआई बना देता है तो ओएच को अटैक करके आई को निकालना बहुत आसान होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट आंसर वही आया लेकिन आरआई बनने के कारण बीच में, क्योंकि एक आई की एक बड़ी खास बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आई एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आई एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। और यही बात लिखी है तो एक्सप्लेन भी कर रहा है और मजा भी आ रहा है कसम से। बहुत अच्छी चीज है ये, सवाल बहुत अच्छा था। AgNO3 में कितने मोल AgCl बनेंगे, x की वैल्यू बतानी है शायद, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्मड। डबल बॉन्ड का x नहीं छूटेगा ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेंजीन का x नहीं छूटेगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये छूट जाएगा, फास्ट करेगा, ये भी फास्ट करेगा। 1, 2 मोल्स विल बी द करेक्ट आंसर, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चार में से केवल दो ही निकलेंगे। हेलो अल्केन्स, हेलो अरिन्स का स्पेसिफिक एकदम कोर सर कि एक अगर किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है तो हम बोलते हैं कोर प्लेसमेंट हुआ है, वो वाली बात है। बॉइलिंग पॉइंट पहले मास देख लेते हैं, 2 Cl 3 Cl 4 Cl जी दिया भाई बिल्कुल सही है। डेंसिटी मास देखते हैं इसमें भी 3 कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये आएगा सबसे पहले फिर ये फिर ये, अगर ये सही है प्रिंटिंग तो डेंसिटी मास। IBrCl ये भी गलत है भाई, ब्रोमीन इधर आएगा सीएल पीछे आएगा, मास देखना है भाई मास। ABC अच्छा डी गलत हुआ, डी सी बॉइलिंग पॉइंट फिर से मास क्या भगवान मास बिल्कुल सही है 3 Br 2 Br मास में फर्क आ रहा है, ब्रांचिंग तब तक आई नहीं, ये रही ब्रांचिंग आ गई यार बहुत तेज किया इनको। बॉइलिंग पॉइंट मास 4 कार्बन Cl मास सेम है तो 1/ब्रांचिंग, क्यों ब्रांचिंग बढ़ती है तो एरिया कम होता है, वंडरवाल फोर्सेस भी कम हो जाते हैं, उबालना बहुत आसान हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, उबालना आसान है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया तो ब्रांच लंबा। यस 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 परफेक्ट। सो ए सी एंड ई इज अ करेक्ट, तो ए सी एंड ई इज अ करेक्ट। द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन्स ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इज, ऐसा कौन है, क्या बोला है, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन, अच्छा कौन एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट, हाँ बस सिंपल अल्कीन बनानी है, कौन मैक्सिमम अल्कीन्स देगा। सब कितना बढ़िया सवाल हो गया, तो लंबा सवाल हो गया कि चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल भैया तो एक ही अल्कीन आएगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन यहां पर भी एक ही अल्कीन आएगी प्रोपीन, 2 ब्रोमो पेंटेन आइसोमेरिक नहीं लेना ना, सॉरी आइसोमेरिक लेना है रिअरेंजमेंट नहीं करना है, एक यहां तो 3 आएगी, यहां 2 यहां 1 तो सिक्स ट्रांस होगा लग तो ऐसा, तो बढ़िया सवाल दिया हो। 2 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन यहां पे एक ही पॉसिबल है तो मैक्सिमम विल बी गिवन बाय द सी, 3 अल्कीन्स विल बी ऑब्टेन बाय द सी, बाकी में 1 1 1 ही आ रही है। Aryl X, Methyl X, joint chloride with Wood's phytic, only aryl phytic, bonded copper, Sandmeyer, फिर से सवाल रिपीट हो गया, याद है आपको पहले सेम सवाल किया था तो उसमें ये नया था, बस उसमें ये वाला नहीं था। NaI acetone, ये आपका Finkelstein, Wood's phytic, phytic एंड मेल Finkelstein, सर इसमें वो तो लिए नहीं ऐसी तो ठीक है ना, मेन्स वाले हैं 2 1 4 3 मेन्स वालों को ज्यादा दिमाग नहीं लगा दे भाई, 2 1 4 3 ये लिया सर, मेन्स वालों की बेइज्जती बहुत करते हैं तो क्या करें, काम भी वो ऐसे ही करते साले, मैं थोड़ी बेइज्जती करता हूँ, वो काम भी ऐसे ही करते साले।
डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, SN1 का ऑर्डर बताइए, हटाया प्लस बनाया, हटाया प्लस बनाया, हटाया प्लस बनाया, प्लस बनाया, माइनस आर गंदा, हाय हाय प्लस आर, हाय हाय प्लस आर। अब यहां पर ये गधे लोग फंस गए, क्योंकि अब ये यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट में देखें, सर हम कौन से वाले को ऑपरेट करें, तो हमें पता है कि बेंजीन पे एक्स है तो मैं इसका क्या देखूंगा, माइनस आई रेजोनेंस, तो सबसे बढ़िया हो गया बॉम्बे वाला बैक बॉन्डिंग, भाई बीबी मिल रही है और क्या चाहिए, फिर डी, फिर पी, फिर ए। सर आपने इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं देखा, क्योंकि जय मैं सब ऑप्शन भी एक ही बी का, बी डी सी, अरे वाह बताया नहीं भाई लोगों ने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एक चीज तो तय है कि आपका आंसर एक सेकंड में आ जाना चाहिए था, आई एग्री, आप इसमें फंस सकते थे ऑर्थो और मेटा वाले में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सबसे ऊपर डाटा दिया हुआ है इसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, अब उस पर अगर बेस जाए तो फंस जाएंगे, लेकिन हाँ इतना अगर आपको पता है कि ऑर्थो मेटा और पैरा में सबसे ज्यादा किसका होता है, सोभा बता दिया पैरा वाला, क्यों, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप चीज, तो इसका सबसे तगड़ा है और एक ही ऑप्शन में ये आगे है बस, ऑर्थो और इन दोनों में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, सीधा डेटाबेस है, इसीलिए जेईई मेंस ने पहली बार अच्छा काम किया और फंसाया नहीं बच्चों को, बस ये पूछना चाह रहे थे कि भैया बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है ये वाला आंसर आएगा, पहला वाला सबसे आगे। किसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा है, क्लोरल का हो गए है, पढ़ा है अपन ने क्लोरल, क्योंकि इसका हाइड्रेट बहुत स्टेबल है, OHOH बहुत स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गेमेक्सिन तो सबको पता है, आप सबका ही नाम है, आप फिर से आप अपने आप को आईने में देख पाएंगे क्या आपको तुझमें इसमें रब दिखता है, इसमें तुम्हें अपने आप को दिखता है, क्लोरोपिक्रीन ये कहा हुआ है मास्टर, क्लोरीटोन बोलते हैं इसको, प्रियोन 12 CF2Cl2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन कहां पर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन कहां पर है, गेमेक्सिन में कितने हैं, 6, समझ में आया, मैं एक बार ना क्लोरोपिक्रीन कंफर्म कर लेता हूँ यार, तो बिना कंफर्म भाई क्लोरोपिक्रीन भाई लपड़ रहता है बाद में, हाँ ये ना हो गए बनवाया भी था CCl3NO2, ये पता मैंने पता कहाँ पढ़ाया है, वो क्लोरीटोन होता है जो मैंने आपको बताया, क्लोरीटोन पता कहाँ पढ़ाया है, रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, जाके अपने नोट चेक करना, आपको मैंने एक चीज बता रखी है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म चेक करना जाके, उसमें एक तो RnH2 के साथ है, एक HNO3 के साथ है, वो ये रहा वॉर के साथ, और एक आपको वो बताया था मैंने एसीटोन के साथ, चेक कर लेना प्लीज, और एक वो ऑक्सी O2 के साथ, एयर के साथ फोर्जिन बनवाई थी, प्लीज चेक कर लेना भाई, वो ये उसी पर सवाल पूछ लिया, ये मैगजीन एक्वस KOH SN2 बिल्कुल सही बात, क्या दिक्कत है, इनकरेक्ट बताना भाई, नियोपेंथाइल अल्कोहलिक केवेट में, भैया नियोपेंथाइल बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत डाइसी, अभी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मेंस वाले हैं वैसे तो ये गलत है, क्योंकि 1 डिग्री है यहाँ पर, SN2 या E2 नहीं हो पाती, इसलिए मिथाइल शिफ्ट होता है, एंड द आंसर मस्ट बी दिस वन, अल्कोहलिक है मैं ये बनाऊंगा, वैसे तो गलत है ये, पर फिर भी देखते हैं भाई, मेंस वाले हैं भाई, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन पैरा पे COCH3 मेटा पे लगा और तब लगा रखा है, बेवकूफ लोग यार, दोनों फंसा दिया ना, 623 के सही है, ये वाला सही तो है ही है, सही मेंस यार, मेंस सही, मन करता थप्पड़ थप्पड़ मारूं, बी और सी दोनों ही गलत हैं, पर बेस्ट पॉसिबल आंसर मारना हुआ तो मैं बी मारूंगा यार, चेक करो कि एंटी ने क्या दिया था, चेक कर, लेट्स चेक एंटी वाले गधों ने क्या दिया था। कर रहा हूं मैं, ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर भाई लोग, जही ने आंसर दिया है इसका 2। कितने गधे लोग, नहीं ऑर्थो देकर बोल रहे हैं बताओ, जबकि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि पैरा मेजर है,
बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मेजर नहीं बोला इसलिए कि चलो ठीक है बच गए, बाकी सही में बहुत बेवकूफ लोग हैं। आखिरी सवाल, तुम्हारे पूरे 2023 तक के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं, मतलब आप तो सोचो 100 सवाल जेई मेंस के कर लिए अपन ने, लगभग पिछले साल तो कर लिए। 3 डिग्री है भाई, वो भी पीएच वाला, CPH3, पीएच पीएच पीएच, आई कांट अवॉइड सीसीएल, ये बॉन्ड टूट जाएगी तो OH माइनस का कोई लेना देना नहीं है। सेम साल अभी आया था, आपको याद है, पर E2 O2 काम किया था, इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें जो आपका पानी होगा, सॉल्वेंट होगा, वो तो कहाँ दिया है, तो अंडरस्टूड है साथ में होगा, वो काम करेगा। SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है सर। पिरिडिन का काम क्या है फिर, जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, दूसरी बात पिरिडिन को रिएक्शन कैटलाइज करना है, ताकि इसको तोड़ के पहले कुछ अटैक कर ले, इस तरह से कैटलाइज करना है बस, दैट्स इट। इससे कोई रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बना और ये OH लग गया, ठीक है, पानी से। इसकी वजह से रेट को कांस्टेंट रहे कि गलत बात है भैया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, क्योंकि रेट लो क्या होगा, ये RX वाटर, लेकिन ये एक्सेस में है तो हमेशा इसको क्या मानते हैं, रेट इक्वल टू के डैश RX। तो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ RX तो रेट भी इंक्रीज, गलत बात है। OH माइनस के कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट रहेगी, इसकी रेट पर कोई चेंज नहीं होगा। पिरिडीन से रेट बढ़ जाएगी, कभी नहीं होगा भाई, इस जन्म में तो ना हो रहा, कैटलिस्ट है भाई वो, ये लिया है इसकी रेट, हाँ ये है ना RX पे, बिल्कुल लीनियर ग्राफ है, MX Y = MX, बिल्कुल सही बात है। कितना बढ़िया सवाल, कितना बढ़िया घुमा के दिया, मतलब मुझे एक बात तो समझ में आई कि 2023 के सवाल का लेवल बहुत अच्छा था, अब तक के 22 21 20 के मुकाबले सबसे बढ़िया सवाल 23 में आए थे, ब्रांडेड सवाल थे एकदम। तो भाई लोग, ये जेई मेंस का पार्ट खत्म होता है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एडवांस। एडवांस कितने सवाल है चेक करूं, केवल 15 सवाल है, 16 सवाल है एक्चुअली। एडवांस में एल्काइल हैलाइड सिंगल नहीं आता, मिक्स सवाल आते हैं, हर साल सवाल आए हैं मिक्स, सो मिक्स। अब तो केवल 15 16 सवाल करने हैं अपने को। सर क्या आज ओलंपियाड नहीं कराओगे? चलिए जल सेवा के बाद, इसमें छोटे से मिस्टेक है शायद ना, के ये के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया जाए, पानी डाला जाए तो क्या क्या बनेगा, ये बनाया प्लस चार्ज बनाया, तो प्लस चार्ज के बाद अब कहां जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उधर NO2 है, मुझे पता है कि वो डिस्टेबलाइज करेगा, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, इधर OM ये बेबी भी मिलेगी, तो हाइड्राइड यहां से शिफ्ट होगा, प्लस यहां आएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो प्लस यहां आया, तो एक बार OH यहां ला सकता है, OH यहां ला सकता है, मेजर ये वाला होगा, तो इस वाले में OH बीच में लगाया है, हाँ बन जाएगा, के बन जाएगा, एल वाला इधर वाला, हाँ बिल्कुल बनेगा, एल मेजर के माइनर, एंड एम तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो एल मेजर के माइनर कहीं दिया है क्या, ओनली के ओनली एम तो बेकार है, के और एल का मिक्सचर बिल्कुल सही है, मिक्सचर ऑफ के एंड एम, एम तो नहीं मिलेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसटोब्यूटीन के ब्रोमिनेशन को किया जाए, Br2 डाला जाए तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये माइनस है ट्रांस, ये ब्रोमीन का एडिशन कैसा है, माइनस एंटी एडिशन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक आंसर आएगा तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, केवल एक आंसर आएगा, दैट इज योर मीज दो, इसकी मिरर इमेज लेने कोई मतलब है ही नहीं। ये सेम सवाल मैंने कहा ना आपको, बस उसमें इन्होंने कार्बन चेन लंबी कर दी, बाकी सेम सवाल है, एफ इसके मेटा पे है तो यहां तो रिएक्शन नहीं होगी, ये हटेगा और डैश में लगेगा SPH, वेज डैश, एक ही ऑप्शन है डैश का SPH। राम इसमें बता रहा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए कैटायन शिफ्ट होगा तो माइग्रेट कौन होगा, तो उधर जाएगा तो 3 और 3 6 और 8 अल्फा H, यहां यहां आता है तो 8 अल्फा H, यहां आता है H जाएगा, H और क्योंकि बैकबॉन्डिंग हो रही है तो ऑर्डर फॉलो होगा, बैकबॉन्डिंग हो रही है तो ऑर्डर फॉलो होगा, H जाएगा C2 पे आएगा और बैकबॉन्डिंग हो रही है भाई साहब, तो आंसर आएगा आपका 2, C2 की तरफ शिफ्ट होगा, C2 पे आएगा के टाइम हाइड्रेट शिफ्ट होगा, C2 पे जाएगा और H शिफ्ट होगा। आए
2010 का ये सवाल आप लोगों को एक कॉमन लॉजिक से सोचना था कि अगर आपको कुछ वैल्यूज पता है, ये कहीं ना कहीं आपको अगर जितने जैसे आपको पता होगा सीओ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो मैंने लिखवा रखी है सीओ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 100 होती है, होती है 100, होती है ना 100। अगर सीओ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 100 है, सीओ बॉन्ड जो होता है आपका, आपने याद है आपको सीओ बॉन्ड कीटोनॉल में 746, 720 भी कई बार वेरिएशन होता है मीडियम, ये अपने पढ़ रखा है कि सीओ बॉन्ड की एनर्जी इतनी हाई होती है, सीसी बॉन्ड की भी 500 के आसपास मैंने लिखवा रखी है, मैंने कीटोनॉल में लिखवाई थी डाटा, तो आपसे पूछा है सीसी बॉन्ड की, अब 1000 तो हो नहीं सकती, 1 हो नहीं सकती, 10 हो नहीं सकती, तो आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर सीसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन कई बार बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं। अगर इसको एक कॉमन लॉजिक से भी करते हैं, आपको ये तो फंसाया ही नहीं कि 200 है कि 300 है कि 400, ये तो फंसाया ही नहीं, 1000, 100, 10, 100, तो 4 नंबर का सवाल फ्री का नंबर का बहुत, तो ये 100 नंबर, 100 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज किलो कैलोरी में तो 10 तो होगी, किलो कैलोरी में भाई किलो जूल बोलता हूँ सोचते भी सही। अरे फिर से वही गैबियल सलिमाइड एसिड बेस एंड पे माइनस, कौन हटेगा बी आर, देखो यही काम पहले एडवांस करता था, अब मैं करने लगा है ये काम कि भैया किसको हटाओगे, तो बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ेगा तो ये हटेगा, तो एन माइनस का हटेगा इस पे, तो ये बेंजीन का बी आर सेम रहेगा, ये रहा इसका हाइड्रोलिसिस करते तो NH2 और ये बन जाता, देखो इसमें इसमें बेंजीन का एक्स हटा दिया, इसमें यहां पे ओ से अटैक करा दिया, ओ से अटैक करा दिया, गलत बात, H प्लस लिया है एन हाइड्रस, पानी ने क्यों नहीं दिया हाइड्रस, क्यों नहीं दिया पानी, देते तो इधर टूट जाता हाइड्रस, तो इधर हो जाता जान बुझ के चार्ट पे, भैया कुछ नाटक मत करो चुपचाप बस ऐड कराओ, ये बना के टाइम बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, फिर ये ओ का अटैक, तो आंसर ये आया ये ओ ओ सी एच टू आर एच प्लस निकल गया होगा एज ए कैटलिस्ट, आंसर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर भी है लेकिन एक कार्बन पे दो ओआर, ये ओआर ये ओआर, एक कार्बन पे दो ओआर को क्या बोलते हैं, या तो ये एसिटल होगा या ये कीटल होगा, लेकिन सर कौन सा होगा, तो अगर आपको देखना है कि जिस कार्बन पे ओआर है उस कार्बन पे एच है क्या, 1 2 3 हाँ एच है, एच कहां होता है एल्डिहाइड में, तो ये एसिटल है, एसिटल समझे, और फिर इधर भी तो लिखा है बेस्ट पॉसिबल आंसर, तो बेस्ट होगा ना कि ये पर्टिकुलर फंक्शन तो वही होगा ना, इधर तो फिर आर ओ आर होता है केवल, ये वो सवाल था के बाद काफी चीजें चेंज हो गई, यहां पे एक छोटी सी गलती है सीएल है यहां पर। अब सबसे पहले SN2 के लिए मास्टर ने क्या इतनी देर से क्या सिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं 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 बहुत कम, हाँ तगड़ा भाई ऑक्सीजन के साथ रहते हैं, सपना है इसका, आपको मैंने इसकी वैल्यूज भी लिखवाई थी कि इसकी 1,00,000 गुना रेट आती है, इसकी 200 आती है, इसकी 79 याद है, रेट भी अपने लिखी है, इसकी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, इसकी 79, इसकी 1,00,000 रेट उसकी बहुत भयानक आती है एस की, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है हल्का रेजोनेंस हो रहा तो उसको आगे क्यों नहीं रखा, वहां दो वेरिएबल हो गए कार्बन के साथ रेजोनेंस गंदा और दूसरा हिंड्रेंस, दो फैक्टर के साथ आ गए, तो दोनों का मिस हटा है, लेकिन आपको कभी फसाया नहीं जई ने, जई ने बोला तुम यही चाहते हो ना कि वन पी और आर डाइसी है, इसके बाद क्या आएगा क्यू, ये तो तय है ना, अगर आपने SRP क्यों लिखो चाहे SPR क्यों लिखो ऑप्शन देख लो, एक में भी उसने जई ने नहीं फसाया, उसने एक ही ऑप्शन दिया SPR क्यों, उसने पी और आर में आपको बिल्कुल नहीं फसाया, और यही जई एडवांस की खूबसूरती है कि वो आपको कभी फंसाएगा नहीं कि बताओ बताओ ये बताओ कड़ पकड़ बम्बे भाई ये आया पाया कि नहीं आया, ऐसे जय एडवांस कभी नहीं करता, ये उसकी बहुत खास बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सीरियसली। X2 डाला है, अब पहले अपन डिसाइड करते हैं कि कौन, अपन कैसे सोचते हैं कहां जाएगा, सो इन दोनों में से ये एक्टिवेटिंग ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्लस आर, तो ऑर्थो ऑर्थो पैरा इन तीन जगह पर जाएगा, एक्स जाएगा, अब एक्स अगर सीएल है तो मोनो हेलो बन रहा है, जब एक्स आई है आयोडीन के केस में वो कौन सा आंसर आएगा, यहां आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, इस वजह से यहां दोनों में इसकी मोटी साइज के चलते आयोडीन यहां और यहां पे नहीं आएगा, आयोडीन यहां आएगा, इन केस ऑफ आयोडीन ओनली एक आंसर आएगा ये वाला,
तो इस ये आपने डिसाइड जो किया ना कि एक आंसर कहाँ आएगा, क्यों आएगा, इसमें क्या क्या देखा आपने? पहली चीज, आप यहीं पे क्यों गए? ओएच के एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण। तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर था ओएच कि आप कहाँ जाना है। दूसरा कि अब यहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आई की साइज भी बड़ी है और इसकी साइज भी बड़ी है, तो CCH3 होल थ्राइस इसका बल्किनेस और एक्स का बल्किनेस। कि आप देखिए बीआर के केस में दो आए, तो दो कौन से आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि तो यहां पे आएगा तो तीनों एक साथ बहुत रिपल करेंगे। ट्राई हेलो अगर सीएल है तो तीनों आएंगे, तो एक दो तीनों आएंगे। सो कहीं ना कहीं हेलोजन का बल्किनेस भी मैटर कर रही है, इसकी बल्किनेस भी मैटर कर रही है, और इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप भी मैटर कर रहा है। इसके एक्टिवेटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन यस फर्क पड़ रहा है, द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द टर्शियोरल बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। इतना बढ़िया लैंग्वेज से बनाया हुआ सवाल है। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वही प्लस आर माइनस आर आई एन ऑफ फिनोलिक ग्रुप फर्क पड़ रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शियोरल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा आंसर है ए बी एन सी। अगर इससे फर्क पड़ता तो फिर यहां भी आंसर आता कि बिकॉज ये तो यहां पे मेटा पे था, प्लस आई तो यहां पे भी कर रहा है, तो फिर ये चार क्यों नहीं आया, सीएल के इसमें चार क्यों नहीं आया, इसका ना इसका फर्क नहीं पड़ रहा, ये बातें क्लेम करती है। तो क्या पूछा है आपसे, ये पैटर्न किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए से, बी से और सी से। भाई साहब बहुत तगड़ा, ये भाई को लास्ट में बताऊंगा भाई, थोड़ा लंबा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, मतलब आसान है सवाल, तो बहुत आसान है, पर इससे अच्छे सवाल नहीं है, पर बनाना पड़ेगा। एक दो तीन चार सवाल है, पहले इन चार सवालों को कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। सर 2023 के एडवांस के सवाल नहीं लाया अब तक, वो लास्ट में लाऊंगा सब एक साथ अधैर की टोन के अंदर, या फिर क्योंकि अधैर की टोन में एक हफ्ते का गैप है, उसका रीजन ही यही है कि उसमें बहुत कुछ आपको अच्छे से करना पड़ेगा, अधैर की टोन में बहुत गैप है, ये लिया इन दोनों की बात करें। तो न्यूक्लियर, अब देखो इस सवाल में कहीं मेंशन नहीं किया भाई लोगों ने कि भैया SN1 करानी है कि SN2 करानी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारे बच्चे फैल जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया था सेम ऐसा सवाल कि अगर जब कुछ डाइसी हो रहा हो तो आप SN1 SN2 में जीतेगा SN1 अगर दोनों कर सकता है तो। ये पार्ट अभी प्राइमरी है वनडिंग और ऊपर से रेजोनेंस भी कर रहा है, तो ये SN1 भी कर लेगा SN2 भी कर लेगा। ये प्योर 1 डिग्री है, कोई स्टेबलाइज नहीं, ये प्योर SN2 करेगा। ये 3 डिग्री है, ये प्योर SN1 करेगा। देखो मैं कह रहा हूं ना आपको, फसावट की नहीं इन्होंने। ये 2 डिग्री है और रेजोनेंस भी कर रहा है भाई, ये SN1 भी कर लेगा SN2 भी कर। आई एग्री ये मेजर SN1 करेगा, अब नहीं दोनों करेगा। अब पूछा क्या है, फर्स्ट SN सेकंड फॉलोज SN2, हाँ तो सही बात है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज SN1, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। अब देखो कई सारे बच्चे 1-2 बार आने के कारण मल्टीपल नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, दो एक साथ, अबे 1 दोनों कर सकता है। वैसे ही अगर आपसे पूछता कि ऐसा कुछ पूछता, हाँ कि 2-4 फॉलोज SN2, यस सर, 3-4 फॉलोज SN1, यस सर, वो SN1 भी कर सकता है SN2 भी कर सकता है, 3 डिग्री क्लियर कट है SN2 नहीं कर सकता, 1 डिग्री क्लियर है कि SN1 यहाँ बहुत मुश्किल से होगी ना बराबर हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे फसाया नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको फसावट की नहीं इन्होंने, 4-1-3। अब देखे मान लो अगर कोई ऑर्डर नहीं है, अगर मैंने इसमें SN1 SN2 दोनों अगर मैंने डाल दिया एक्वस NaOH NaOH H2O, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब फाइट होगी तो SN1 सबसे पहले हो जाएगी, यहाँ तो बोन अपने आप ही टूट जाएगी, SN2 का अटैक करना पड़ेगा, तो ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ये, और वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा 4 नंबर, क्योंकि तो दोनों कर रहा है, दोनों फास्ट कर रहा है, 4 सबसे आगे। 1 और 3 में SN1 दोनों कर रहे हैं, अब यहां पर एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 4-1-3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो दोनों ही फास्ट करेगा SN1 भी SN2 भी, तो मैं तो उसको आगे रखता, ये बिल्कुल ऑर्डर सही था, पर जेई ने ये आंसर इसीलिए 2 आंसर दिए कि कई सारे लोग इसको आगे मानते हैं, कई सारी किताबों में इसको आगे भी लिखा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं आप समझे नहीं कि टाइम की स्टेबिलिटी किसी ने बहुत डेप्थ में कभी कोई गया नहीं, बस सिंपल आंसर बढ़ा देंगे स्टेबिलिटी में, बट ये दोनों लोगों में SN1 SN2 में केवल कैटायन की स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती, इस केस में बेंजीन से डिसोसिएशन भी बहुत फास्ट हो रहा होगा, यहां पर भी ये बल्कि ग्रुप धक्का मार रहे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत क्लोज डाटा होता है इन दोनों का,
फिर भी अगर ये सेम सवाल अगर आपके जेई मेंस में आ जाए तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं वन को आगे रखना थ्री से। सन की है भाई 413 इज अ करेक्ट आंसर। कई बार इसको रॉन्ग भी मानते हैं सही भी मानते हैं, 313 दोनों सही है, इसलिए जेई ने दोनों आंसर दिए। दोनों आंसर मतलब सर बताता हूं, कंपाउंड 4 अंडरगोज इनवर्जन ऑफ देखो ये कई सारे बच्चे गलत मारते हैं, क्या कंपाउंड 4 कॉन्फिगरेशन का इनवर्जन करेगा? बिल्कुल कर सकता है, ये पूछा ही नहीं कि आर का एस करना है या एसएन करना, एसएन वन कराओ तो भी इनवर्जन मेजर आएगा, एसएन टू कराओ तो भी इनवर्जन मेजर आएगा, तो दोनों केस में इनवर्जन तो होना ही होना है। ये सवाल बहुत सारे लोग गलत करते ही करते हैं, तो आंसर इसका ABCD भी सही है और ABD भी सही है। ये जेई ने दोनों आंसर दिए थे, फंसे ना कोई बच्चा। इनेंशियो मेरे के लिए प्योर मतलब जो भाई बना है ये बना है, मीन का इनेंशियो प्रिंसिपल बना लेना, मल्टीपल में आया था। ऐसे केस में मैंने आपको क्या सिखाया कि आप किसी एक फॉर्म को फिक्स मान ली, ये एम लिया, मैं मान लेता हूं कि यहां पर वेज में OH रहा होगा क्योंकि PBR थी तो रिएक्ट अल्कोहल से करता है, मान लेते हैं। अगर इसके वेज में OH मानने से वो आंसर आता है डैश में तो परफेक्ट है, ये आंसर नहीं आता तो उसका उल्टा कर देंगे। मान लेते हैं तो वेज पे OH है, तो वेज पे OH था तो यहां क्या बनेगा, डैश पे BR, डैश BR बनेगा, एनी एसीटोन SN2 होगी, वेज में आई तो एसीटोन कहां है, M2CO। ये क्या है सर, ये DMF है, जान बुझ के फंसा रखा है, DMF N3 SN2 है, डैश पे N3, क्या डैश पे N3 है? हाँ सर डैश पे N3 है, मतलब जो हमने शुरू में जो मॉलिक्यूल ज़ूम किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, इस पे तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, तो वेज का वेज ही रहेगा। लोचा यहाँ है, आप डैश मानते तो आंसर वेज आता, तो वहां वेज नहीं है तो उसको उल्टा कर देगा, नहीं तो साहब उल्टा लेके एक तरीका और है, उल्टा लेके चलो वो भी ठीक है, दोनों सही है। मैं तो ये इजी पड़ता है इसलिए बता देता हूँ, ये वाला कहाँ है, वेज डैश है, वेज वेज है, उल्टा करके वेज ना वेज सॉरी, तो अगर उल्टा करना ही है तो दोनों डैश हो जाएंगे। ये देखो जॉन उसके बच्चे बहुत, अब आप खुद देख लीजिए दोनों एक्चुअली मिरर इमेज, देखो देख ली, तो ये इसका इनेंशियो में, हाँ अगर ये दोनों डैश में होते तो ये भी आंसर होता मल्टीपल में, ये भी आंसर होता अगर दोनों डैश में, क्योंकि सीओ घुमा के लिखा होता, समझे, तो आंसर मल्टीपल में, देखो आप मल्टीपल चॉइस में आया था और आंसर इसका सिंगल है। ओ भाई साहब पूरा हल हल्के का मिक्सचर है ये सवाल, मजा आता अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में पूछते, पर सालों ने ये मैट्रिक्स में नहीं पूछा, इन्होंने सवाल पूछा उसके अंदर उस फॉर्म में कोड वाली फॉर्म में, बच्चों के लिए आसान हो गया तो अच्छा है ना सर। अरे फिर भी 3 डिग्री एक्स भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, एच निकालेगा अल्किन, आंसर आया आइसोब्यूटीन प्लस टर्शियरी बुटानॉल, ये मत भूल जाना साथ वाला, HBr डाला, ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी, कैटायन स्टेबल है, 3 डिग्री पर BR, पहले सॉल्व कर लो आराम से। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तुम तब अगर फर्स्ट टाइम कर ही रहे तो क्यों मैच कर रहे हो, पहले आराम से सॉल्व करो ना ताकि तुम्हारे को लॉजिक तुम्हारा सही कि नहीं पता लगे। ये सिंपल बेस है, मॉडरेट बेस है, 3 डिग्री का एक्स है, 100% E2 होगी, एलिमिनेशन होगा अल्किन प्लस मिथेनॉल, ये O- है, 100% SN2 और कोई चांस ही नहीं है, ये लीजिए अब मैच करना है ये भी और ये भी, क्योंकि इसमें तो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला कहाँ है बेटा, 1-4, आप एग्जाम में फास्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको दो आते होंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिथेनॉल के हैं, नहीं है एल्कीन प्लस एमी वेज, मिथेनॉल कहीं है, नहीं है, ओनली 4, ये वाला 1-4-2-4-3, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, यूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, गिवन सेट ऑफ रिएक्शन के लिए बताइए कौन सा वाला सही है। तो या कैसे सर क्या मानू मैं इसमें, तो ऐसे केस में ऑप्शन देख लिया करो, अच्छा सब में 6 गिरेंगे, C6H10 पक्की बात है, 6 कार्बन तो यही हो गए, अब या तो अल्किन मानो, पर ग्रिगनार्ड है तो कीटोन मानना ही पड़ेगा, सीधा आंसर ऑप्शन देखे यहां पे ऐसे जहां कुछ मेंशन नहीं, कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो ग्रिगनार्ड का टेक करवाया बेटा, OH एनी कॉन्ग के CL
सिंपल ओएच हटा के सीएल। डिहाइड्रेशन, एच टू निकल से अल्केन बना, Br2 एच टू से Br लगा। HBr बेंजोइल परोक्साइड, एंटी मार्कोनिक ऑफ क्रैश इफेक्ट। देखो कितने सारी रिएक्शन एक क्वेश्चन में पूछ ली। सबसे खास बात क्या पता है सवाल की, कितनी सारी रिएक्शन, एक दो तीन चार पांच छः, छः रिएक्शन एक साथ पूछी एक सवाल में, तो यही खास बात है चाहिए एडवांस की, और कुछ नहीं। अब ये बोलने को बहुत, एनसीईआरटी का सवाल है 2 मिनट लगता है बोलने में, बेशर्मों की तरह बोलने में 1 मिनट लगता है भैया, एनसीईआरटी का सवाल हम भी जानते हैं। एस यू, बिल्कुल सही, यू सही, टी ये भी सही है भाई, बहुत सही, डबल वोट कहां से आ गई, गलत, यू गलत, तो आगरा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सर, कुछ सवाल और थे, वो हो सकता है अल्कोहल इधर में आ जाए, एल्डिहाइड में आ जाए, जहां पर भी थोड़ा मिक्स कर ना, आपको पता है एक दो सवाल ऐसे हो जाते हैं, कोई इसका परेशान मत होना। ये सवाल की बात करें, आ जाओ एक आखिरी सवाल आज का, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टूडेज क्लास, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टूडेज क्लास। आपको दिया हुआ है एमी एच बी आर और प्रोपाइल, ठीक है, इनेंशियोमर्क्यूरी प्योर, CH3 HBr CH2 CH2 CH3, ठीक है, काम करते हैं इस वाले को, कॉपी मारते हैं, कितनी जगह है हमारे पास, एक दो तीन चार पांच, तो 5 बार कॉपी मार लेते हैं, 3 4 5, ठीक है, 5 जगह है, एक दो तीन, सही, क्या इसको कोई फास्ट तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करो तो बहुत फास्ट हो जाता है। ये लिया सबसे पहले यहां से चटाया, CH2 Br, Br लगाना है कि Cl लगाना है, Br लगाना है, तो ये 300 डिग्री रेडिकल, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर बात करें तो ये वाला फिक्स है सब में, यहां वाले केस में ये फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां जब रिएक्शन हो रही होगी तो डॉट बन गया होगा, तो यहां रिएक्शन होगी एट दैट टाइम दिस कार्बन विल बिकम sp2 बिकॉज ऑफ द डॉट फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, सो इट विल बिकम sp2, पर हमें नुकसान इसलिए नहीं होगा कि दोनों सेम है, तब इसको एक दो तीन चार पांच मिलकर काटोगे तो सिमेट्री आ जाएगी। तो अब अगर लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ही आएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाले में फिक्स है, ये फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते, उल्टा आ जाएगा, दो नहीं कर सकते, और कोई सेंटर नया कर नहीं है, तो ये एक ही होगा ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये कैसे बचाना, आपने चारों चीज अलग अलग है तो सिमेट्री कभी आएगी, सेम लाइक ये फिक्स है, यहाँ पे भी एक आएगा ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज चारों चीज अलग अलग है तो सिमेट्री कभी आएगी नहीं, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है, बचते हैं ये दोनों। इसके अंदर बात करें तो ये सेंटर नया कर्ल बना है, ये तो आपका फिक्स है, ये तो आपका फिक्स है। अगर ये नया सेंटर कर्ल बना है तो कहीं ना कहीं आप भी ये बात सोच सकते हैं, अगर आप अगर थोड़ा सोचना सीखे तो कहीं ना कहीं आप भी ये बात सोच सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूं, चलाओ एक देखना, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दे, जिन बच्चों को कम समझ में आता है उनके लिए ये देखो, ये सेंटर नया कैरल बना, एच और बी आर, एक बार एच इधर बी आर, जो जिन बच्चों को डायरेक्ट दिखने लग गया वो तो अच्छी बात है, CH2 CH3, बी आर, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री की बात करें तो इधर इथाइल है इधर एमी है इसलिए बच गए, यहां पे सिमेट्री नहीं है, तो ये दो बने, ये वाला
ये एक है, मतलब एक मान रहा हूं इसको, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी एक है ऑप्टिकली एक्टिव है। सर मिरर इमेज क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि ये आपका फिक्स है, यू कांट रोटेट इट। ठीक है, समझ गए। अब बात करें इस वाले की, इस वाले, तो इस वाले में भी ये वाला सेंटर नया कैरल है, ये वाला कैरल है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, इसी फॉर्म में इसको बना देता हूं मैं, तैयार कर देता हूं मैं, एक सेकंड लगेगा। समझना, देखो मैं तो ये बोलूंगा कि समझना, देखो एक कारण बीच में ये रहा सी एस टू, ऊपर वाला सेंटर नया आपका कारण है। ठीक है, तो बी आर राइट में एच लेफ्ट में, या बी आर लेफ्ट में एच राइट में, दो बनेंगे, मैं दोनों बना देता हूं। तो जो बच्चे थोड़े समझदार हो चुके हैं वो ये बात डायरेक्ट विजिबल भी हो सकता है, वो दिख सकता है कि मास्टर आप क्या कहना चाह रहे हो। सीधी सी बात बताऊं, जो है वो बता रहा हूं, और रियलिटी बता रहा हूं बे। एच यहां, बी आर यहां, ठीक है, ये बना, ये बना, ठीक है, ये फिक्स है, चेंज किया। इस वाले केस में सिमेट्री आ रही है, सो ये एक है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली एक, वो कोई अगर बोल रहा हो तो सेंटर सिमेट्री, तो गधे हो तुम, विचार में कब से आने लगी। तो अब आपने ये सारे निकाल लिए, इसके दो, इसके आपने दोनों फॉर्म निकाल लिए, इसके आपने दोनों फॉर्म निकाल लिए, ठीक है। तो टोटल कितने बने? एक, दो, तीन, दो, पांच, छह और सात, टोटल बने सात। आपसे पूछे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कायरल पूछे हैं, तो कायरल सेंटर नहीं, कायरल प्रोडक्ट, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार, पांच। सो फाइव इज द करेक्ट आंसर। फ्रैक्शन पूछता तो आपको देखना होगा कोई इनेंशियोमर आ रहा है क्या? ना, ये दोनों क्या है? डायस्टीरियोमर, सेम साइड अपोजिट साइड डायस्टीरियोमर, ये दोनों भी क्या है? डायस्टीरियोमर। तो फ्रैक्शन आएंगे सात, दो दो चार दो, सारे सारे सब अलग अलग है ना, तो कहीं कोई नया सेंटर तो बनी नहीं ना कर रहे कि हम टेंशन लें। सेवन इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज द हेलो ऑलकेन, हेलो रिस्पोन ऑल ऑफ यू। इसका ओलंपियाड की टेंशन मत लेना, अगले में आएंगे, अगले में थोड़ा सा ज्यादा आएगा, परेशान मत होना। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे कैसे आगे मूव करेंगे, अगला चैप्टर अल्कोहल इधर होगा, ठीक है। चलिए आज्ञा दीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब मैं वैसे भी बैचेस के अंदर रिवीजन वीडियोस भी लाने वाला हूँ, सो प्लीज डू योर हार्ड वर्क, आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, खुश रखें, होमवर्क करते रहें। बाय बाय।